저들 나르게 무색해도 바이 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 안해도 안해도 들려야 자네도 걔도 무스크라할거 하이 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 자네도 자네도 늘색 자네 자네도 걔도 부부라할거 바이 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 Love you क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के कैसे हैं आप सब लोग वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन सो वेरी गुड इवनिंग रितेश रिया रोमित संजना मयंक अनुजा हर्षिका रिया बंसल आशना मानवी अनुराग आयुष राधे 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 सत श्री अकाल जय श्री राम कैसे हैं आप सब लोग सॉन्ग वॉज गुड ना हाँ सॉन्ग वॉज गुड Your song's choice is just like wow, wow, oh wow. Chal. So very good evening, Ashna, Ashna Mangal, Harshika, Preeti, Deepti, Ayush, Shelly, Achal, Kritika. Very good evening to everyone. Ashna कहती हैं sir please RBI के chapter में to the point exam के लिए question करा दो बस कहानी खत्म. मैं कह रहा हूँ बस. सर अब नजर नहीं लगेगी. Oh ho. Oh असल में क्या हुआ मम्मी ने ना नजर उतार दी मेरी. तो अब थोड़ा सा सही है ठीक ठाक से अच्छा ठीक है मीनाक्षी मैंने आपकी बात मान ली डन 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 वेरी गुड इवनिंग उत्कर्ष क्यों नहीं लेंगे आपका नाम बिल्कुल लेंगे गुड इवनिंग अमन वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग एफडीआई कब कराएंगे ओहो
देखो, न्यू सिलेबस वाले जितने बच्चे हैं, हम लोग अभी हार्डली कुछ आधा घंटा मेरे साथ बस जुड़े रहिए, मैं आपको फटाफट से बता दूंगा कि आपके न्यू सिलेबस में आरबीआई का क्या कंटेंट है और कितना रेलेवेंट कंटेंट है। उसके बाद फिर बाकी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं होगी, उसके बाद आप आराम से फ्री हो जाइएगा, है ना? बिल्कुल सर, आप आरबीआई का कंप्लीट रिवीजन कराओगे? यस, ऑलमोस्ट पूरा कराएंगे। आज एसबीसी की क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे को अंकुश सर ने बोला कि जीएचएल की क्लास चलेगी 3-4 घंटे की, उन्होंने 2.5 घंटे में 5:30 बजे ख़त्म कर दी, और उसके बाद अरुण सर की भी नहीं हुई, मेरे को पता ही नहीं था। तो अरुण सर को कहीं अर्जेंटली कुछ काम आ गया जिसकी वजह से क्लास ही नहीं हो पाई, बस यही खड़ गया बस। वेरी गुड इवनिंग कुमकुम, वेरी गुड इवनिंग। इसी वजह से बस वो रह गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कल संडे है, कल वैसे तो मेरी कोई क्लास थी नहीं, कल मेरी सीएस प्रोफेशनल वालों के साथ क्लास है। हाँ जनरल, यस यस यस, कल हम लोग एथिक्स की क्लास करेंगे, और क्या करेंगे कैसे करेंगे विल डेफिनेटली बी इन्फॉर्मिंग यू, और एथिक्स की क्लास जरूर कल होगी। संकल्प कहते सर आप 2-3 डेज में पूरा रिविजन लोगे क्या? मतलब अभी तो बेटा 14 तारीख तक तो वैसे ही पैक है, जो रिविजन स्केड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया है उसी को अभी हम लोग पहले डीलअप करेंगे, और नलायकों वीडियो को लाइक भी नहीं करते, बिल्कुल बेशर्मी की हदें हो चुकी हैं सर। मैं कह रहा हूँ बस क्या ही बोलूँ मैं, मतलब वीडियो तक लाइक नहीं करते नलायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं कंप्लीट टेस्ट पेपर बना के दे दूँ, बना के देगो क्या? मैं बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 चलो, शुरू करें फिर, शुरू करें, आओ शुरू करते हैं सर। तो आप लोग के सामने सर चैप्टर है कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल दो अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि मार्क्स की वेटेज कितनी है, तो 4 to 8 मार्क्स। अगेन 4 to 8 मार्क्स का मतलब 1 to 2 क्वेश्चंस, एक से दो क्वेश्चंस आएंगे बस, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, मैक्स टू मैक्स एक से दो बस। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी तक जैसे हम लोगों ने चैप्टर किया है ODI, SEZ, NBFC, और आज हम लोग करेंगे RBI, ये करेंगे सर। अब अगर हम इन 4 चैप्टर्स की बात करें तो इन 4 चैप्टर्स में हमने हर चैप्टर में ऐसा बोला है कि हम 1 to 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, मतलब हमारे एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चंस हर चैप्टर से पूछे जाते हैं ईच। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो मेरा मानना है कि अगर हर चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आया तो 4 क्वेश्चंस तो पक्के हैं, और किसी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चंस भी आएंगे तो मेरा मानना यह है कि आपके नाना करते भी पार्ट ए के 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको इन 4 चैप्टर से मिल जाएंगे। अब देखो, ये 5 चैप्टर्स की जब मैं बात करता हूँ ना, ये 4 चैप्टर्स के मैं जब 5 क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपके 20 मार्क्स तो यहाँ से सिक्योर हो जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड सिलेबस की, किसकी बात कर रहा हूँ? ओल्ड सिलेबस की। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ बींग अ टीचर आई डोंट थिंक सो कि दिस इज एथिकल, बट फिर भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे साथ जब हम पार्ट ए की बात करते हैं ना, तो पार्ट ए में हमारे पास टोटल ओल्ड सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं। ओल्ड सिलेबस में टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से देखो हम लोगों ने किए SEZ, NBFC, RBI, ODI, FEMA, LRS और FCRA। मेरे को बताओ इन 7 चैप्टर्स में तुमको कोई दिक्कत है? येस और नो, बड़े-बड़े से सोच समझ के बताना, मतलब बहुत सोच समझ के बताना। क्या तुमको इन 7 चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है? ये 7 चैप्टर्स हैं सर, ये 7 चैप्टर करने में मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई बहुत खास दिक्कत होती होगी। दिक्कत पता है किस में होती होगी? मैं तुमको बताता हूँ दिक्कत किस में होती होगी। दिक्कत तुमको लगती होगी FDI में, FTP में, ECB में, है ना? देखो अब ध्यान से समझना, ये 7 चैप्टर्स में से मैं तुमको गारंटी देता हूं जितने ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं आपके एग्जाम में आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को आएंगे। 8 क्वेश्चंस टोटल आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने हैं सर? आपको टोटल एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 9, और मैं गारंटी देता हूं कि
आपके 9 में से 8 क्वेश्चंस इन 7 चैप्टर्स में से होंगे ही होंगे, फॉर श्योर होंगे। कैसे सर? बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना सर, उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 और 2A, इसमें चॉइस होती है, इसमें 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली आपको मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस के लिए ये 3 चैप्टर करने हैं, जिसमें से एक आता है FDI, एक FTP और एक ECB। क्या फेमा FNTC एक ही है ना, मतलब समझा नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं तो FDI, FTP और ECB की जब मैं बात करता हूं, तो देखो मेरा मानना यह है कि ECB जैसा चैप्टर है ना, अगर तो ECB जैसे चैप्टर में मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, आपको 2 वीडियोस मिलेंगी ECB की। ECB वाला जो चैप्टर है उसमें 2 वीडियोस हैं, उसकी जो पहली वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपने पहली वीडियो भी कर ली ना, तो अच्छा खासा कंटेंट आपका तैयार हो गया। कुछ 3-3.5 घंटे की वीडियो है, आप उसको उसी से करिए, डैट सेट, कहानी खत्म। FTP जितना मैंने कराया, जितना मैंने अपने नोट्स में कराया, मोर देन इनफ। FDI जितना मैंने अपनी क्लास में कराया, मोर देन इनफ। मेरा मानना यह है कि आपको FDI, FTP और ECB इस पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आप एग्जाम में FDI, FTP और ECB जो करते हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि अगर आपने अच्छे से उसको कवर अप किया तो पढ़ के भी जाएंगे ना, तो क्वेश्चन 110% अटेम्प्ट कर पाएंगे। पार्ट ए में अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, नो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सारे चैप्टर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे को लगता है यार, देखो अगर 10 में से तुमने 7 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सर आप 110% आउट ऑफ 40, 32 मार्क्स का पेपर तो बहुत अच्छे से करने वाली हो। और एक या दो चैप्टर की वजह से अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरा पूरा पार्ट ए खराब हो जाएगा, तो इतना भी मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड होके प्रैक्टिकली सोचो तो मेरे को लगता नहीं है कि इतनी प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, FTP जो मैंने न्यू वाला करवाया है वही आपको करना है, वही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, वही ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला FTP अब आपके सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। ECB आपकी क्लास देखी थी लक्ष्मी नगर में, क्या आप वीडियो देखूं? नहीं, अगर आपने क्लास देखी हुई है तो फिर तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वीडियो देखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ। अब इसी तरीके से मैं थोड़ा सा एक बार रियलिटी चेक करता हूँ पार्ट सी के। ठीक है, देखो पार्ट सी में जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो चैप्टर्स को मैं कुछ ऐसे बांटता हूँ: बेनामी, लीगल मेट्रोलॉजी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रेरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इधर हमारे पास आता है सर स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल और TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखो ध्यान से, कोई रह गया हो तो बता देना, वैसे मेरे को लगता है लगभग सब कवर हो गए हैं, कोई एक आधा शायद हो भी सकता है रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान से देखिएगा सर, जो ये चैप्टर्स है ना, इनको बहुत अच्छे से करके जाइए, इनको टेक्स्ट बुक से पढ़िए। कहाँ से पढ़िए? टेक्स्ट बुक से। मतलब पढ़ना जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग, आपको इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए, ये चैप्टर्स तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ने चाहिए। मतलब पूरा कंटेंट पढ़िए, कुछ ना छोड़ के जाइए। लेकिन जब हम इन चैप्टर्स पे आते हैं, ये वाले हमको डराते हैं, एक्चुअल में यही चैप्टर्स हैं, शायद आपको भी डरा रहे हैं। मैं ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इन चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इन चैप्टर्स से एग्जाम में ज्यादातर जितने भी इनके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको कर लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से, और जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो बहुत अच्छे से कर दीजिए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और डिफरेंस बिटवीन, अगर आपने ये दोनों भी कर लिए ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, पार्ट सी आपके 35 मार्क्स का होता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ सर कि नाना करते भी आपके 28 मार्क्स सिर्फ इतना ही कंटेंट करने से सिक्योर हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप इन चैप्टर्स को ना उतनी शिद्दत से ना पढ़िए जितनी शिद्दत से आप ये चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इस पे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, TPA पढ़िए, बट सिर्फ पढ़िए अच्छे से,
रट्टे रुट्टे मारने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा ध्यान भी लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, दैट्स इट। जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है उतना कर लीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, वो भी आपके लिए काफी होंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी जो शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको शेड्यूल खोल के दिखाऊं, तो मैंने इन सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज और इन सारे चैप्टर्स के डिफरेंस बिटवीन सबके सब, मतलब इन सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज और इन सारे चैप्टर्स के डिफरेंस बिटवीन सबके सब मैंने आपको अभी अगले हफ्ते में कराने हैं। सारे चैप्टर्स के डिफरेंस बिटवीन हो जाएंगे, इन सारे चैप्टर्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये दोनों चीजें हमारी हो जाती हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाते हैं और डिफरेंस बिटवीन भी हो जाते हैं, तो समझ लीजिए लगभग लगभग हमारा भैया कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये देखो मैं तुमको बोला ना, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली चलो, बस थोड़ा सा सिस्टमैटिकली चलो। निगोशिएबल भी है, अंकुश है, आप लास्ट में देखिएगा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने वो छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ा है, कवर होएगा आपका। अब अगर मैं बोलूं निगोशिएबल के पास या क्वेश्चंस उसमें लिखे हुए अंकुश, अब अगर मैं बोलूं तो ऐसी सिचुएशन में देखो, एक तुम्हारा 25 मार्क्स का ओल्ड सिलेबस की अगर बात करूं, तो 25 मार्क्स में एक तो तुम्हारा आ जाता है कॉम्पिटिशन, ये तो तुमको समझ लीजिए घोल के पी जाना है, इसमें तो तुमको कोई इफ एंड बट करना ही नहीं है, ये तो कॉम्पिटिशन तुमको करना ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट ए में नाना करते भी अगर मैं बहुत लोअर साइड भी चलूं, तो 7 चैप्टर से आप 30 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं पार्ट ए से, और अगर मैं और लोअर साइड चलूं तो 25 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो बहुत आराम से पार्ट सी से। तो देखो ऐसी सिचुएशन में आपके 80 मार्क्स यहां पे कवर हो जाते हैं। अब बताओ तुम यहां भी रो रहे हो, तो रोते पता नहीं क्यों, रोने की कोई बात नहीं होती बेटा, थोड़ा सा अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंट रखो, जो आपको बताया जा रहा है वो बहुत सोच समझ के बताया जा रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ। आप पुराने पेपर्स उठाइएगा, एनालिसिस करिएगा, तभी थोड़ा आपका बेनिफिट हो पाएगा। कंपटीशन से आज तक केस लॉ रिया बंसल सिर्फ एक बार आया है, लेकिन इस बार मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कंपटीशन में आपसे केस स्टडी पूछी जाए, इसीलिए मैंने एक पूरी क्लास आपके कॉम्पिटिशन एक्ट की केस स्टडी के लिए थी, और वो आप कर लीजिए तो उससे आपको कॉम्पिटिशन की सारी केस स्टडी समझ में आ जाएंगी, उससे आपको वो केस स्टडीज वाले जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है ना वो आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि आप उसको करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो थोड़ा सा टेंशन कम लीजिए, टेंशन को, स्ट्रेस को दूर करिए, स्ट्रेस लेने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, उसको दूर करिए थोड़ा, है ना। हाँ, पेपर में ऐसे ही होगा ये मेरी गारंटी है, मेरे कहे हुए वर्ड्स, ये वीडियो पब्लिक पड़ी रहेगी, एग्जाम देने के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ जरा, थोड़ा सा बेचारे न्यू सिलेबस वाले बैठे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो भाई न्यू सिलेबस वालों, बात को बहुत ध्यान से समझो, आपका जो पार्ट ए है ना वो पार्ट ए 60 मार्क्स का है। प्रॉब्लम ये है कि अभी हमको पता ही नहीं है, हमको ये भी पता ही नहीं है कि कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि पार्ट ए में आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 विद 2A, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चंस होंगे। और अगर मैं बात करूं आपके पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपके पास 40 मार्क्स का कंटेंट है जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा एक, और एक क्वेश्चन नंबर 6 होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ क्वेश्चन नंबर 5A भी होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है। ठीक है, मतलब मैं पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। अब मेरा मानना ये है कि पार्ट ए में आपके लिए, देखिए आपके साथ पार्ट ए में अगर मैं बात करूँ, तो मेरे को लगता है कि आपने पार्ट ए में जितना भी कंटेंट, जैसे अगर मैं बात करूँ फेमा की, देखो आप भी बिल्कुल ओल्ड सिलेबस के जैसे ही चलेंगे। मेरा मानना यह है कि आपने फेमा किया, कॉम्पिटिशन किया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किया, लीगल मेट्रोलॉजी किया, ठीक है, बेनामी किया, रेरा किया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट किया, किया ना, SEZ किया, SEZ के अलावा FCRA किया, फेमा के साथ ही आपने LRS भी कर लिया, SEZ किया, FCRA किया, और आप लोगों ने और क्या पढ़ा, आप लोगों ने और बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तीन चैप्टर आपके साथ भी हैं, FDI, FTP, आपने भी ODI पढ़ा, और एक आपके साथ आ गया ECB, 6, 4, 10, 3, 13 एक चैप्टर छूट गया भाई कोई,
पता नहीं कौन सा छूट गया, एक तो छूट गया लेकिन तुम्हारे साथ कोई। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब मेरे को पहले ये बताओ कि क्या तुमको इसमें से कोई दिक्कत है? जो मैंने ये बॉक्स बनाया, डब्बा बनाया, इस डब्बे को अगर देखो तो इस डब्बे के अकॉर्डिंग चलो, और डब्बे के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो डब्बे के अकॉर्डिंग आप बताइए क्या आपको ये वाले चैप्टर अच्छे से आते हैं? अगर ये चैप्टर अच्छे से आते हैं तो आप समझ लो आपको 14 में से 11 चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं। तो भाई तुम सिर्फ ये FDI, FTP, ECB को लेकर रोते क्यों रहते हो? हमको ये समझ में नहीं आती। भैया मैंने ऐसा नहीं है कि FDI हमने किया नहीं है, ऐसा तो नहीं ना कि FDI हमने छोड़ी दी है। तो जितना कंटेंट मैंने कराया उतना तो किया है ना, FTP जितना कंटेंट मैंने कराया उतना तो किया है ना। तो भाई कम से कम लिमिटेड पढ़ के ही चले जाओ, ना रट्टा मार के जाओ, मैं कह रहा हूँ ना पूरा चैप्टर करके जाओ, बट जितना पढ़ाया उतना तो करके जाओ भाई साहब। हाँ सर, अगर आपने 14 चैप्टर में से 11 चैप्टर कर लिए, मैं कहता हूँ 110% मैं आपको गारंटी देता हूँ, 60 मार्क्स में से आपको कम से कम 50 मार्क्स का 110% पेपर आता होगा, 110% आता होगा, मेरी गारंटी है, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। 60 मार्क्स में से 50 मार्क्स का पेपर आपको गारंटीड आता होगा, एनी हाउ आता होगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ जिस लेवल पे आप है ना, CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप इस लेवल पे ना कोई भी टीचर आपको कमिट नहीं करता कि इतने मार्क्स से पेपर आ जाएगा। बट मेरे को लगता है कि अभी तक जितना एनालिसिस हम लोगों ने किया उसके अकॉर्डिंग हर टीचर सेटिस्फाइड है मेरी बात से, और वो भी इस बात को मानता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, खुदा ना खास्ता, भगवान करे ऐसा ना हो, पता लगे इस बार पेपर का ट्रेंड थोड़ा बदल जाए, क्योंकि ICSI पूरे मजे ले लेता है, और कहीं एकदम से ट्रेंड बदल जाए तो एक अलग बात है, वैसे ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, तो आपके पास चैप्टर ही कितने हैं? 6 ही तो कुल चैप्टर है, एक पेटेंट, एक ट्रेडमार्क, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एक डिजाइन, एक कॉपीराइट, और साथ में आपके पास एक चैप्टर है बेसिक्स, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और ये 6 चैप्टर्स मैं आपको 11 से 14 दिसंबर के बीच में रिवाइज कराने वाला हूँ। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर कर भी चुके हैं और ये हम लोग 11 से 14 के बीच में रिवाइज कर भी लेंगे, तो फिर ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी बहुत दिक्कत वाली बात है। ये बात सही है, जितनी एनालिसिस हम ओल्ड सिलेबस की करते हैं उतनी न्यू सिलेबस की नहीं कर पाते, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हम लोग ना न्यू सिलेबस का जब तक कोई क्वेश्चन पेपर हमारे सामने नहीं आता तब तक हम उसकी बात नहीं कर सकते। बट अदरवाइज लगभग लगभग मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा ही ऐसा रहने वाला है ना? तो टेंशन ना लो बिल्कुल भी आप। चलो, बहुत गहरा डिस्कशन किया हम लोगों ने, हार्डली हम लोग हार्डली क्या, हम लोगों ने लगभग लगभग अगर मैं बोलूँ तो कुछ 20 मिनट लगा दिए इस चीज़ को समझने में, है ना? तो आप टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी, सब आपके साथ अच्छा होगा, आप अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा होएगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। चलो भी, जो अरुण एक लेक्चर पेटेंट का कंटेंट आपका बाकी है ना, वो रिवीजन में ही मैं आपको कवर करा दूंगा, तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, छुड़वाऊंगा कुछ नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलो आओ, सबसे पहले सर हम RBI की बात करते हैं। सर तो हमारे पास ना यहाँ पे RBI के कुछ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। RBI के क्या है? कुछ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मैं मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं RBI की, तो उसमें जैसे हमारे पास जो है वो है एक रेपो रेट। कौन सा रेट? रेपो रेट। एक है रिवर्स रेपो रेट, एक है CRR, एक है SLR, कैश रिजर्व रेशियो। ऐसे ही हमारे पास है स्टैचुररी स्टैचुररी लिक्विडिटी रेशियो। ऐसे ही हमारे पास एक है, अगर मैं बात करूं इसके अलावा हमारे पास और क्या है यहाँ पे सर, तो हमारे पास एक है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक हमारे पास है बैंक रेट, एक हमारे पास क्या है बेटा? बैंक रेट। एक इसी तरीके से हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर मैं बात करूं इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं हाईलाइट करता हूं, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट, एक CRR, एक SLR, एक बैंक रेट और एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 6 टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक सर, अब अगर हम इसमें एक एक करके बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर रेपो रेट की। किसकी बात करते हैं? रेपो रेट की। और बहुत शॉर्ट में मैं आपको इसके नोट्स तैयार करवाता हूँ। ये मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ी सी छोटी क्लास रखूंगा, बट हमारा आधा घंटा तो ऑलमोस्ट इसी चीज़ों में निकल गया कि किस तरीके से हमको पेपर अटेम्प्ट करना है। बट चलिए, कहीं ना कहीं वो भी जरूरी था, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, बट कोई बात नहीं, चलिए अभी करते हैं। रेपो रेट की अगर मैं बात करूं सर, तो रेपो रेट की हम बात करते हैं तो रेपो रेट हम क्या बोलते हैं सर, समझिएगा बहुत ध्यान से। कह रहे हैं सर, जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है ना, कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक को कभी पैसे की जरूरत होती है तो कमर्शियल बैंक फंड्स बोरो कर लेता है। जैसे हमको अगर कभी पैसे की जरूरत होती है तो हम फंड्स बोरो कर लेते हैं बैंक से, वैसे ही बैंक को जब पैसे की जरूरत होती है तो बैंक पैसा बोरो कर लेता है सेंट्रल बैंक से। बैंक किससे बोरो कर लेता है पैसा? सेंट्रल बैंक से। और हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है सर? आरबीआई। तो इसका मतलब हम लोगों ने ऐसे बोला कि जब कभी बैंक को फंड्स की जरूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक आरबीआई को कॉन्टैक्ट करता है, और कमर्शियल बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके, किसको सेल करके? सिक्योरिटीज को सेल करके सेंट्रल बैंक से क्या ले लेती है? लोन ले लेती है। लेकिन सर जो ये लोन है इस पे एक इंटरेस्ट अमाउंट भी चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? एक इंटरेस्ट अमाउंट। बिल्कुल ठीक बात है। जो इंटरेस्ट अमाउंट यहां पे चार्ज होता है ना सर, वही होता है रेपो रेट। वही क्या होता है? रेपो रेट। ठीक है। अब होता क्या है सर कि अगर कभी बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी आ जाए, किसकी कमी आ जाए? लिक्विडिटी की। बैंक के पास कभी फंड्स की कमी हो जाए तो बैंक अपने फंड्स अरेंज करता है सेंट्रल बैंक से, और जिस रेट पे वो इसको बोरो करता है उस रेट को हम नाम क्या दे देते हैं सर? रेपो रेट। क्या बात समझ में आती है? देखो एक एक कॉन्सेप्ट होता जाएगा, मेरे को ग्रीन सिग्नल देते चलिएगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ठीक है बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बोला रेपो रेट क्या होता है, तो हमने बोला सर रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच, रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज, बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू सेंट्रल बैंक, पूरा लिख देता हूं, सेंट्रल बैंक की भी लिख देता हूं, टू आरबीआई। तो कह रहे रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक पैसा बोरो करता है फ्रॉम आरबीआई। किस चीज के लिए? टू मेंटेन लिक्विडिटी, जिससे कि आरबीआई क्या मेंटेन कर पाए? लिक्विडिटी मेंटेन कर पाए। जनरली ये कब होता है? इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। जनरली जब बैंक के पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है तो वो उस शॉर्टेज को फुलफिल करवाते हैं, कैसे? आरबीआई से पैसा लेके। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। अब बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहे आज अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में जो करंट रेपो रेट है, मतलब अगस्त के मंथ की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे इंडिया में करंट रेपो रेट है कुछ 6.50%। कितना परसेंट है? 6.50%। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए यहां तक तो हमको एक बात को बात समझ में आई। ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं सर जब हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन होती है, क्या होती है? इन्फ्लेशन। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, ड्यूरिंग हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, देखो बेटा प्रियंका, जो सिक्योरिटीज उन्होंने बेची है ना, वो सिक्योरिटी के तौर पर रखी है, समझना। जब वो लोन चुका देंगे तो आरबीआई से वो अपनी सिक्योरिटी वापस मांग लेंगे। हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो क्या हम बैंक को प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखते? रखते कि नहीं रखते? तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं और ब्याज देते रहते हैं।
जब हम लोन चुका देते हैं तो मेरी प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है, सेम वही हो रहा है। यहां पे सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक लोन बोरो कर रहा है, सिक्योरिटी के तौर पे वो अपनी सिक्योरिटीज रखवा रहा है और कह रहा है कि जब मैं लोन चुका दूंगा इंटरेस्ट के साथ तो मेरी सिक्योरिटीज मेरे को वापस कर देना, बस वही हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला, ड्यूरिंग हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई मेक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट्स। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इन्फ्लेशन का टाइम वो टाइम है जब लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बैंक भर भर के लोन दे रही, बैंक भर भर के क्या दे रही है, लोगों को लोन दे रही है। आरबीआई मेक्स स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट टू ब्रिंग डाउन द फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी। कह रहे जब मार्केट में इन्फ्लेशन होती है ना सर, तो सरकार चाहती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक भर भर के लोन देती है। लेकिन सर जब बैंक भर भर के लोगों को लोन दे रही होती है ना, तो बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, और जब उसके पास लिक्विडिटी की कमी होती है तो वो सेंट्रल बैंक के पास आता है कि सेंट्रल बैंक कुछ पैसा दे दो। सेंट्रल बैंक कहता है कमर्शियल बैंक हम तुमको पैसा दे देंगे, लेकिन हम अपना रेपो रेट बढ़ा देंगे, ज्यादा ब्याज पे देंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में चाहते हैं कि तुम मार्केट में इतना पैसा भी ना डालो कि मार्केट में इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल हो जाए। तो इस सभी लोगों ने लिखा कि जब हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होता है ना सर, तो आरबीआई स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट करती है, मतलब स्ट्रांगली इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल हो जाए। बेस्ट वे, या बेस्ट वे ना लिख करके बोल दें, ऐसे लिख देते हैं, वन वे टू डू दिस इज बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट। एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का कि हम रेपो रेट को इंक्रीज कर दें, जिससे कि होगा क्या, जो बोरोइंग है ना वो महंगी हो जाएगी, सो डैट बोरोइंग गेट्स एक्सपेंसिव। जिससे कि जो बोरोइंग है ना सर वो क्या हो जाए, एक्सपेंसिव हो जाए। और अगर मान लीजिए मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, डिफ्लेशन, या हम बोलते हैं डिप्रेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, सरकार चाहती है कि लोगों के पास पैसा आए, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक को कहती है हमसे फंड्स लो सस्ते दामों पे। कौन से दामों पे, सस्ते दामों पे। तभी लिखा डिफ्लेशन और डिप्रेशन के टाइम पीरियड में क्या होता है, व्हेन आरबीआई नीड्स टू पंप फंड्स इनटू द सिस्टम। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसे की जरूरत है तो वो क्या करता है, इट लोवर्स द रेपो रेट। जितने न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं आप इनको जरूर करिएगा, अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है सर। सही बात है सर, हाँ बिल्कुल सही बात है सर, थोड़ा सा डेंजरस तो हो सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके मॉड्यूल में आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको रियलिटी से अवेयर कर रहा हूँ, और जब मैंने क्लास कराई थी तब भी मैंने आप लोग को ये बात बताई थी, इसको इग्नोर करके ना जाइएगा, थोड़ा सा पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए आपके सामने अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने अगर मैं बोलूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके मॉड्यूल के पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है, ये न्यू सिलेबस वालों के लिए है, और एक आपके सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अलावा एक आपके सिलेबस में फंक्शंस हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपको जरूर करना है, ये देखिए आपके सामने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसके नीचे फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं करेंगे तो इट्स योर टोटली इट्स योर विश। चलिए ठीक है सर, आगे आते हैं। तो आप लोगों को क्या बताइए, रेपो रेट समझ में आया, तो एक क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ रेपो रेट। दूसरा आता है सर हमारे सामने रिवर्स रेपो रेट, दूसरा हमारे सामने क्या आता है सर, रिवर्स रेपो रेट। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है रेपो रेट का। रेपो रेट में हमने क्या बोला था, अभी अभी पढ़कर आए, रेपो रेट का मतलब क्या था, तो हम लोगों ने बोला कि सर जब कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की जरूरत होती है तो वो फंड्स बोरो कर लेती है सेंट्रल बैंक से, हमने ये पढ़ा भी। अब हम इसका उल्टा बोलते हैं सर, कभी कभी आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेती है,
आरबीआई कहती है कमर्शियल बैंक हमको फंड्स दे दो। अगर आरबीआई को लगे कि कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत फंड्स इकट्ठा हो गया, तो सेंट्रल बैंक कहता है ऐसा करो कमर्शियल बैंक तुम हमको फंड्स दे दो, कुछ ज्यादा ही तुम्हारे पास पैसा है, तुम कुछ ज्यादा उछल रहे हो, लाओ कुछ फंड्स हमको दे दो, हम तुमको ब्याज देंगे उस पर, हम तुमको उस पर क्या देंगे ब्याज। इसका मतलब क्या मैं बोल दू, सेंट्रल बैंक बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से, और अगर सेंट्रल बैंक पैसा बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से तो जिस रेट पे वो बोरो कर रहा है दैट इज रिवर्स रेपो रेट, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। ये बात समझ में आती है? तभी हम लोगों ने बोला, ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने बोला रिवर्स रेपो रेट इज अप्लाइज व्हेन आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम, कह रहे जब आरबीआई पैसा बोरो करता है ना किससे, फ्रॉम बैंक्स, व्हेन, और आरबीआई ऐसा कब करता है, व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, कह रहे जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी होती है ना, जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो वहां पे आरबीआई क्या कहता है बैंक से, भैया तुम ऐसा करो पैसा हमको दे दो। बिल्कुल ठीक बात है। बैंक से इसको क्या फायदा मिलता है, तो कह रहे जो बैंक है ना सर, बैंक्स बेनिफिट आउट ऑफ इट बाय रिसीविंग, बैंक को यहां पे बेनिफिट मिलता है बाय रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर देयर होल्डिंग्स। तो जितना पैसा उन्होंने आरबीआई को दिया उस पे उनको क्या मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है, और जिस रेट पर उनको ब्याज मिलता है वो रेट हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब ध्यान से सुनिए, कह रहे जब मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, मार्केट में क्या होती है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब मार्केट में क्या होती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कह रहा है कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसा, तो सेंट्रल बैंक कहता है ऐसा करो तुम हमको पैसा दे दो, आरबीआई पैसा बोरो कर लेता है कमर्शियल बैंक से क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसा है। तो लिखा इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करता है आरबीआई जो है ना वो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देता है, आरबीआई इंक्रीजेस रिवर्स रेपो रेट, जिसकी वजह से होता क्या है, इट इनकरेजेस द बैंक, ये एक्टिविटी बैंक को इनकरेज करती है टू पुट मोर फंड्स विद आरबीआई। जब रिवर्स रेपो रेट बहुत ज्यादा हो जाए तो आरबीआई क्या, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनकरेज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया हम आपको आरबीआई पैसा देने को तैयार हैं जिससे कि हम क्या अर्न कर सकें, टू अर्न हायर रिटर्न्स, टू अर्न हायर रिटर्न्स ऑन एक्सेस फंड्स। बोलो बेटा। सर आपके 200 पेज के जीआईजीएल के नोट्स मिले मुझे टेलीग्राम से, क्या कहीं से रेलेवेंट है वो? अरे भाई वो प्लानर मिला होगा आपको, वो प्लानर पूरी तरीके से रेलेवेंट है, मतलब आप समझ लीजिए आप वो पूरा प्लानर करके जाएंगे तो 75-80 मार्क्स के क्वेश्चन आपको उसी में से मिल जाएंगे। हाँ पूजा, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यही लिख के आ जाना एग्जाम में, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अगर मैं आज अभी रिवर्स रेपो रेट की बात करूं तो जैसे मैंने आपको करंट रिवर्स रेपो रेट करंट रेपो रेट बताया, वैसे अगर मैं करंट रिवर्स रेपो रेट की बात करूं तो जो अगस्त के मंथ का करंट रिवर्स रेपो रेट था वो था कुछ 3.35%, ये अगस्त 23 की बात हो रही है, क्या है बेटा 3.35%, सही है। चलिए EVCL का प्लानर तो ऑलरेडी सज्जल अपलोडेड है बेटा ड्राइव पे, आप आराम से लीजिए, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। हाँ है बेटा कृष्णा, EVCL का प्लानर नहीं तुम लोग को यही नहीं पता अभी तक? ओहो, इसका मतलब तुम लोग अभी तक मेरे साथ घुले मिले ही नहीं हो। हाँ ये नोट्स मैं शेयर करूंगा बेटा, ये तो सारे शेयर करता हूँ मैं, हमेशा से शेयर करता हूँ, ठीक है। चल
कोई दिक्कत यहां तक? तो हमारे सामने दो क्वेश्चंस हो गए, एक हो गया रेपो रेट और एक हो गया रिवर्स रेपो रेट। कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ भी पूछना हो तो प्लीज बताइए वरना हम आगे बढ़ेंगे। सर ओहो, कुमकुम उत्कर्ष, तुम लोगों को पता ही नहीं, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, रुक जाओ। मेरा एक ईबीसीएल का प्लानर है, उस प्लानर में हर चैप्टर के क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप ऑलरेडी सारे ग्रुप्स में ऐड हैं, हर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देखेंगे तो आपको वहां पे एक प्लानर मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लानर मीन्स स्कैन, हाँ मेरा बनाया हुआ, बस इतना फर्क है। चलो अभी छोड़ो, अभी आओ यार, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो यार, मजे ले रहे हो तुम लोग। हाँ देखो ध्यान से क्या लिखा, कह रहे हम लोग बात करने जा रहे हैं सर किस चीज की, हम लोग बात करने जा रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो की, हम बात करने जा रहे हैं सर CRR की। नहीं यार, मैंने हैंड रिटन नोट्स तो शेयर कर दिए थे साई लोकेश, ऐसा नहीं है यार, ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, तुम जाके चेक करो मिल जाएगा। मैं अभी कर देता हूँ, अगर नहीं होगा फिर से कर देता हूँ। ओहो हो अनमोल, ईबीसीएल में 59 आए थे यार, ये तो सच में दुख की बात है। करें बेटा, चलो ध्यान से देखिएगा। हाँ अनमोल सही बात है, अगर पूरा प्लान पढ़ लेते 259 से ज्यादा आ जाते हैं। चलो आओ, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आपको ये मार्क्स टफ बनाते हैं और आपको आगे लड़ने की हिम्मत देते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, सब बढ़िया होएगा। हाँ जो चैप्टर्स कॉमन है वो आप प्लानर से बिल्कुल कर सकते हैं। आ जाओ भाई पहले इधर पढ़ते हैं, हमारे सामने क्या आ रहा है बेटा, कैश रिजर्व रेशियो। कौन सा रेशियो? कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है सर? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। कह रहे सर इसको शॉर्ट में हमने बोला CRR, कह रहे CRR क्या होता है, तो हमने बोला सर CRR इज द शेयर ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज मैंडेटेड बाय RBI टू बी मेंटेन्ड विद द लेटर, लेटर का मतलब RBI, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरे पे भरोसा ही नहीं हो पाया है, जिनको लग रहा है कि भाई साहब सरदार जी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो पा रहा है। बेटा अभी तुमने बहुत हल्के में लिया हुआ है हमको, आओ पढ़ाई करें, बस मम्मी बोलती नजर लग जाएगी। आओ जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है सर, CRR का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं सर जो बैंक्स होते हैं, जो क्या होते हैं, बैंक्स होते हैं, बैंक्स के पास सर डिपॉजिट्स आते हैं। क्या आते हैं? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब जैसे जैसे लोग सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, FD में डालते हैं, RD में डालते हैं, और बैंक्स के पास बहुत सारे लोगों का क्या आ जाता है, डिपॉजिट। सर बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है ना, बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है, RBI कहता है उस टोटल डिपॉजिट के अमाउंट का कुछ सर्टेन परसेंटेज, सर जो बैंक का टोटल डिपॉजिट है उस अमाउंट का, टोटल अमाउंट का एक सर्टेन परसेंटेज हर बैंक को मेंटेन करके चलना पड़ता है विद RBI। जैसे मान लीजिए, जैसे एक रफली एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए एक बैंक है और एक बैंक के पास लेट से टोटल डिपॉजिट्स है, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स हैं लेट से 500 करोड़ के, RBI कहता है इसका 5% CRR। अब 5% CRR का मतलब क्या है, 5% CRR का मतलब क्या है? कह रहे हैं 500 करोड़ का 5% निकालिए, 500 करोड़ का 10% 50 करोड़, 5%
25 करोड़, कह रहे 25 करोड़ रुपए बैंक आपको एनी टाइम मेंटेन करके चलना पड़ेगा विद आरबीआई, विद आरबीआई। क्या बात समझ में आती है? यस और नो, बोलो बेटा। असल में होता क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि बैंक अपना टोटल डिपॉजिट अमाउंट ही लेंड कर दे और अपने पास कुछ रखे ही ना, तो कल को लिक्विडिटी की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में सर आरबीआई हर बैंक से कहता है कि भैया आपको कुछ अमाउंट तो हमारे पास सिक्योर करके रखना पड़ेगा, आप सिक्योर करके रख दीजिए, कल को कोई दिक्कत दिक्कत होगी तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं, CRR इंश्योर्स दैट अ पार्ट ऑफ बैंक्स डिपॉजिट, CRR इस बात की इंश्योरिटी करता है दैट अ पार्ट ऑफ बैंक्स डिपॉजिट इज विद सेंट्रल बैंक। कह रहे हैं CRR इस बात की इंश्योरिटी देता है कि बैंक के डिपॉजिट का एक सर्टेन पोर्शन सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन रहेगा एंड हेंस इज सिक्योर, और हम कह पाएंगे कि हाँ चलो ये सिक्योर है। ठीक से डिपॉजिट कम जाता होता रहता है, हम जब CRR की बात करते हैं तो हम लोग को एक सर्टेन डेट दे दी जाती है कि इस दिन तक जो डिपॉजिट्स हैं उसका डिपॉजिट मेंटेन करना है, जैसे क्वार्टरली मंथली वो आरबीआई बताता है। ठीक सर, ठीक सर, अब ध्यान से देखिएगा, क्या लगता है सर आपको इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करता होगा? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो बोलो, क्या मैं बोलूं इन्फ्लेशन है तो मतलब मार्केट में बैंक के पास बहुत पैसा है, आरबीआई कह रहा है अच्छा बहुत पैसा है तो हम CRR बढ़ा देते हैं। अब आप अपने टोटल डिपॉजिट्स का ज्यादा परसेंटेज हमारे पास डिपॉजिट करिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया और हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तभी हम लोगों ने लिखा, देखो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने क्या लिखा ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन आरबीआई रेजेस द CRR, जिससे कि होगा क्या, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद बैंक्स टू सैंक्शन लोन। जब बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो बैंक लोन कहां से सैंक्शन करेगी? ओके, क्लास कब तक चलेगी? अंकी राजपूत पूछते हैं सर। दोस्तों क्लास बहुत लंबी चलेगी। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है बेटा? अब न्यू की कितने टाइम और चलेगी बेटा यार, देख लो। मैं देखो मैं तुमको बताऊं, वैसे तो न्यू में ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली मॉड्यूल में दिए नहीं है, बट मेरे को लगता है ये सब बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, तो आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। ऑल्दो आपके मॉड्यूल में ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिए हैं, आपके मॉड्यूल में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया और फंक्शंस दिए हैं। मेरे को नहीं लगता कि आपके मॉड्यूल में जितना कंटेंट दिया है उससे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। आप एक बार उसको मॉड्यूल से पढ़ेंगे भी तो बाद में चलेगा, नहीं तो आप ऐसा करिएगा क्लास के एंड में भले ही वीडियो को फास्ट मोड पे एक बार सुन लीजिएगा, नोट्स भले ही ना बनाइएगा। ठीक है चलो, अब हमारे पास आता है सर दूसरी चीज, ये तो हो गया हमारा CRR, अब हमारे पास आता है सर SLR, जिसको हमने बोला स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी हमारा जो CRR चल रहा है बेटा वो 4.5 चल रहा है, करेंट CRR इज 4.5%। अभी जो हमारा CRR चल रहा है बेटा वो कितना चल रहा है, 4.5%। ठीक सर, चल अब हमारे पास क्या आ रहा है सर SLR, ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं। SLR हमसे क्या कह रहा है कि बैंक जितना आपके पास डिपॉजिट है
उसका सर्टेन परसेंटेज कुछ आप अपने पास मेंटेन करके रखिए। देखो सीआरआर का मतलब क्या था कि आपके टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज आप आरबीआई के पास मेंटेन करके रखिए, और अभी एसएलआर का मतलब क्या हो गया सर कि टोटल डिपॉजिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज आप अपने पास मेंटेन करके रखिए। देखते हैं क्या लिख रहे हैं सर, यहां से देखिए क्या लिख रहे हैं। एसएलआर इज द मिनिमम परसेंटेज, एसएलआर इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स डैट आर या डैट कमर्शियल बैंक्स डैट कमर्शियल बैंक्स मेंटेन थ्रू गोल्ड कैश एंड अदर सिक्योरिटीज। कह रहे हैं ये कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। हाउएवर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जो अमाउंट आपको यहां पे मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, दीज डिपॉजिट्स आर मेंटेन्ड, दीज डिपॉजिट्स आर मेंटेन्ड बाय बैंक्स themselves। ये जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है ये बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना है एंड नॉट विद आरबीआई। ये आरबीआई के पास मेंटेन करके नहीं रखना, आपको अपने पास मेंटेन करके रखना। अब ध्यान से देखिएगा, एक लास्ट पैराग्राफ और लिखते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखने जा रहा हूं। एवरी बैंक मस्ट हैव एवरी बैंक मस्ट हैव अ पर्टिकुलर पोर्शन, एवरी बैंक मस्ट हैव अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ देयर, ध्यान से सुनना क्या लिखने जा रहा हूं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इसको हम बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। का मतलब जरा चेक करिए कि आपने अपनी कितनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इन फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड और अदर लिक्विड एसेट बाय एंड ऑफ द डे। देखा द रेशियो ऑफ दीज लिक्विड एसेट्स टू डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, टू डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इज SLR। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी, बैंक डिपॉजिट्स तो डेली चेंज होते होंगे, लाखों आते हैं लाखों जाते हैं, तो बैंक क्या डेली सीआरआर को मेंटेन करता है? हाँ देखिए लिखा हुआ है, हम लोगों ने भी यहां पे लिखा है, यस सर ये आपको डेली मेंटेन करना है। ऑल दो सीआरआर आपको डेली मेंटेन नहीं करना है, बट SLR आपको डेली मेंटेन करना है। सीआरआर आपको डेली मेंटेन नहीं करना होता सर, बट SLR आपको डेली मेंटेन करना होता है, क्योंकि SLR आपको खुद मेंटेन करना है, और जो CRR होता है वो RBI बताता है कि कितने टाइम का मेंटेन करना है, जैसे 15 दिन का मेंटेन करना है, महीने भर का मेंटेन करना है, ऐसे। हाँ मेरा लिखाया हुआ, अगर आप पार्ट सी वाला कंटेंट करोगे तो लगभग लगभग तो आपकी कंटेंट को कंप्लीशन मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। चलिए बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं।
कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए। अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में जो करंट SLR रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 18% का। कितने परसेंट का? 18% का। ठीक तो है बेटा। दिस रेशियो ऑफ दिस लिक्विड एसेट, मतलब ये लिक्विड एसेट कितनी आपको मेंटेन करनी है, आपके टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन रेशियो, वो सर्टेन रेशियो कितना है? 18%। तो आपको 18% अमाउंट मेंटेन करके चलना है। किसके पास? अपने पास। CRR का जो अमाउंट था वो आपको मेंटेन करके चलना था किसके पास? RBI के पास। ठीक है सर। चल अब हम आते हैं सर, आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ जिसको हम नाम देते हैं सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये जितना जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, बस आप इतना इतना एग्जाम भी लिख कर आएंगे ना तो समझ लीजिए काम चल जाएगा। मतलब मैं आपको बिल्कुल क्रक्स लिखवा रहा हूँ। और देख लो रिवीजन सेशन में हम लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो मेरा मतलब है कि ये बहुत क्रक्स वाले रिवीजन नोट्स हैं। दीज आर मोर देन इनफ। ठीक है, तो हमने बोला कि सर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हम शॉर्ट में MPC भी बोल देते हैं। ये क्या होती है सर? कह रहे सर सेंट्रल बैंक ने एक कमेटी बनाई जिसको नाम दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और है क्या सर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, ये मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। ये मार्केट में मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेकर आती है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाने का मतलब कि मार्केट में ना सर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन है, ये भी गलत है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, ये भी गलत है। और ये कमेटी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके मार्केट में इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यही कमेटी डिसाइड करती है कि रेपो रेट क्या हो, रिवर्स रेपो रेट क्या हो, CRR क्या हो, SLR क्या हो, जिससे कि मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल हो सके। के बाद समझ में आती है? बोलो बेटा क्या बात समझ में आती है? यस सर। अब देखो हम पहले सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितना हमको एग्जाम में लिखकर आना है। तो हमने बोला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक ऐसी कमेटी है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेड बाय गवर्नर ऑफ RBI। जिस कमेटी को लीड कौन करता है? RBI का गवर्नर। सर जो ये कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इट वॉज फॉर्म्ड, ये बनाई गई थी विद द मिशन ऑफ विद द मिशन ऑफ फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये कमेटी बनाई गई थी सर जिससे कि ऐसे इंटरेस्ट रेट सेट किए जाएं जिससे कि मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए यूजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सर मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करती है जिसके कुछ यूसेज हैं। कैसे यूसेज हैं? पहले नंबर पर मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, कितना मार्केट है में पैसा है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, यह बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी। इसको कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी। सेकेंड नंबर, अभी मैं मयंक आपको बता देता हूं कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी क्या होता है, मैं लिखवा देता हूं, टेंशन ना लीजिए। तो हम लोगों ने बोला ये मॉनेटरी पॉलिसी ही है सर जो एडजस्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्ट द इन्फ्लेशन रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स टू सस्टेन प्राइस स्टेबिलिटी, जिससे कि मार्केट में
स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक, ठीक तो हम लोगों ने बोला ये पॉलिसी बनाएगा कौन, तो हम लोगों ने बोला आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू मेक, क्या बोल रहे हैं, आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक, तो इस तरीके से सर ये मॉनेटरी पॉलिसी का यूज है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा लास्ट में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। हम लोगों ने बोला ये क्या है सर, ध्यान से देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। कह रहे व्हेन टोटल मनी सप्लाई, अगर पैसे में, अगर मार्केट में पैसा बढ़ाया जाए, व्हेन टोटल मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड रैपिडली, अगर मार्केट में मनी सप्लाई रैपिडली इंक्रीज कर दी जाए देन नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी को हम नाम क्या देते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका उल्टा हो जाए, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज कर दी जाए, तो हम लोगों ने बोला व्हाइल अ स्लोवर इंक्रीज और इवन डिक्रीज ऑफ द सेम रेफर्स टू कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रैक्शनरी, क्या लिखा बेटा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इसको मार्क कर लीजिएगा और एक बार पढ़ भी लीजिएगा पूरा, 2-4 मिनट का टाइम लीजिए पढ़ लीजिए। देखो अगर आपके एग्जाम में सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पूछा जाता है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये लिखना होगा। देन के बाद क्या लिखा है, नॉर्मल व्हेन टोटल मनी सप्लाई इज इंक्रीज रैपिडली देन नॉर्मली। अच्छा, नॉर्मली देन नॉर्मल का मतलब है कि नॉर्मल सिचुएशन से ज्यादा आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी है, तो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, शायद मयंक ने पूछा था, सर ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होती है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का मतलब होता है डिपॉजिट्स। ध्यान से देखिएगा क्या, डिमांड का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम लायबिलिटी का मतलब है टर्म डिपॉजिट्स। बहुत ध्यान से देखना बेटा, जब हम बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं तो क्या हम उसको तुरंत निकाल सकते हैं, यस और नो, बहुत जवाब ध्यान से दीजिएगा। अगर हम लोग बैंक में आज सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डालें तो क्या हम कल ही जाके बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यस सर। ऐसे डिपॉजिट्स को हम नाम देते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब कि बैंक के पास डिपॉजिट्स तो हमने रख दिए लेकिन जब चाहेंगे तब डिमांड कर सकते हैं और बैंक को देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने बैंक में जाके एफडी खोल दी 5 साल के लिए, तो ये जो डिपॉजिट है ना ये टर्म डिपॉजिट है। अब ये 5 साल के लिए बैंक के पास फ्रीज हो गया, अब बैंक को 5 साल तक ये पैसा नहीं लौटा। इसीलिए हम बोलते हैं कि बैंक जब हमसे डिपॉजिट लेती है ना तो एक तरीके से बैंक ने अपने सिर पे लायबिलिटी ले ली है। जब हमने बैंक के पास डिपॉजिट रखवाया तो मेरे लिए तो वो एसेट है बट बैंक के लिए तो वो लायबिलिटी है, और बैंक के लिए जो लायबिलिटी है वही क्या है, डिपॉजिट्स। तभी हम लोगों ने बोला सीआरआर हो या एसएलआर, टोटल डिपॉजिट्स का आपको एक सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करना पड़ता है, सीआरआर के केस में विद आरबीआई, एसएलआर के केस में रिपोर्ट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या था, तो रेपो रेट का मतलब था कमर्शियल बैंक पैसा बोरो कर रही थी आरबीआई से,
जिस रेट पे कर रही थी रेपो रेट, उल्टा बोले सेंट्रल बैंक ने पैसा बोरो किया कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे किया रिवर्स रेपो रेट। बोलो क्या बात समझ में आती है, बोलो बेटे बोल दो, कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए, या सब समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देख, आपके पास एक और इंस्ट्रूमेंट आया जिसको हमने नाम दिया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओहो थैंक यू सो मच हर्षिका। एक्चुअली हर्षिका मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, कह लो गंदी आदत है अच्छी आदत है, बट मेरे को लगता है कि जब तक मैं कंटेंट लिखाऊं ना तब तक तो मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि भाई होता क्या है कि अगर हम कंटेंट को लिख के समझ रहे हैं ना तो वो थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है समझना। दैट इज सर, एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? ठीक है मीनाक्षी, एंड एमएसएफ बता दीजिए। चलिए एमएसएफ तो अभी कर रहे हैं, एमएसएफ तो अभी कर रहे हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ। देखो ध्यान से क्या होता है सर, अभी हम पढ़ कर आए रेपो रेट। क्या पढ़ कर आए? रेपो रेट। रेपो रेट पे हमने पढ़ा कि बैंक को पैसा चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक से ले सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर होता क्या है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, चलो बहुत ध्यान से सुनो ठीक है। मेरे को सर मेरी ना, चलो मैं आपको आज डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, मेरी फेब्रवरी में मैरिज है ठीक है। मान लो कि मेरे को पैसों की जरूरत है और मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक मेरे को कुछ लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला ठीक। अब मैं बैंक के पास जाके बोल रहा हूँ कि मेरी फेब्रवरी में मैरिज है, तो बैंक कहता है आपको लोन कब चाहिए? मैंने कहा जनवरी एंड में दे देना, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो बैंक ने बोला ठीक है, मैं आपको 1-1.5 महीने के अंदर लोन सैंक्शन करवा के प्रोसेस करवा के दे देंगे ठीक। फिर मैंने बोला कि बैंक मैं अभी बैंक के पास जा रहा हूं कल सुबह, और मैं बैंक से कह रहा हूं बैंक मेरे को अभी के अभी लोन चाहिए, अभी तुरंत इंस्टेंटली। क्या दोनों में कुछ फर्क है? तो कह रहे हैं सर जब हम बैंक से टर्म लोन लेने जाते हैं ना ज्यादातर, तो हमको सस्ते रेट पे मिल जाता है क्योंकि लोन का टेन्योर बहुत बड़ा होता है और बैंक को लंबे समय तक ब्याज मिलता रहता है। लेकिन वहीं पे सर, अगर वहीं पे अगर इंस्टेंटली बैंक से पैसा मांगने जाएं और बैंक को बोले हमको अभी तुरंत के तुरंत पैसा चाहिए, तो बैंक हमको लोन तो दे देगा, लेकिन क्या बैंक हमसे ब्याज ज्यादा मांगेगा? बोलो येस और नो, बहुत सोच समझ के बताइए क्या बैंक हमसे ब्याज ज्यादा मांगेगा या नहीं मांगेगा, फटाफट से बता देंगे सर। बात सही है ना? अब ध्यान से देखिएगा, सेम उसी तरीके से जब कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए तो वो जाता है आरबीआई के पास और आरबीआई से कहता है सर हमको पैसा दे दो। आरबीआई उसको पैसा देती है रेपो रेट पे। लेकिन अगर मान लो बैंक जा रहा है आरबीआई के पास और कह रहा है हमको अभी दे दो तुरंत तुरंत तुरंत, तो ऐसी सिचुएशन में सर आरबीआई पैसा देगी तो, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगी और उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो रेपो रेट से ज्यादा होगा और उसको हम नाम देते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या देते हैं बेटा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बोलो सही है। अच्छा फिर ध्यान से सुनना, फिर ध्यान से सुनना, आरबीआई कभी कभी यह भी कहती है, आरबीआई कभी कभी यह भी कहती है कि बैंक अगर तुमको रातों रात पैसा चाहिए तो हम तुमको दे देंगे, बट रेपो रेट पे नहीं देंगे, ब्याज ज्यादा लेंगे, और हम तुमको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करके रेपो रेट से ज्यादा ब्याज चार्ज करके तुमको फंड्स दे देंगे ठीक। आरबीआई क्या कहती है कि कमर्शियल बैंक अगर तुमको पैसा चाहिए रातों रात पैसा चाहिए तो तुम ऐसा करो हम तुम्हारा जो एसएलआर रेशियो है ना, कौन सा रेशियो? एसएलआर, वो डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? डिक्रीज। ये क्या बात हुई सर? ओहो बहुत ध्यान से सुनना बात को, हर बैंक ने क्या एसएलआर बनाया होगा? जैसे हमने बोला एसएलआर का परसेंटेज चल रहा है 18%, तो मान लीजिए एक बैंक है जैसे हम लोगों ने बोला एबीसी बैंक है,
एबीसी बैंक ने अपना एसएलआर मेंटेन किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एबीसी बैंक ने अपना एसएलआर मेंटेन किया 18% के हिसाब से, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि एसएलआर रेट चल रहा है 18%। एबीसी बैंक को रातों रात पैसों की जरूरत पड़ गई, आरबीआई ने बोला ऐसा करो ऐसा, तुम अपना एसएलआर रिड्यूस कर लो 15% कर लो। अच्छा ध्यान से, जब 18% था तो इन्होंने लेट से 500 करोड़ रुपए अपने पास होल्ड करके रखा था, अब जैसे ही 15 करोड़ हुआ होगा तो इनको अब होल्ड करना पड़ रहा है सर सिर्फ 450 करोड़। क्या मैं बोलूं बैंक के पास 50 करोड़ रुपए आ गए एक्स्ट्रा यूज करने के लिए, यस और नो? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, कह रहे आरबीआई ने हर बैंक को बोला कि आप अपने पास एसएलआर मेंटेन करिए, हर बैंक एसएलआर मेंटेन कर रहा था, एबीसी ने भी अपना एसएलआर मेंटेन किया और उसको 500 करोड़ मेंटेन करने पड़ रहे थे। लेकिन आज एबीसी बैंक को रातों रात पैसों की जरूरत है, अभी के अभी चाहिए, तो एबीसी ने आरबीआई से बोला आरबीआई हम अपनी एमएसएफ फैसिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप हमारा एसएलआर रिड्यूस कर दीजिए। हम एसएलआर रिड्यूस करके कितने रुपए निकाल लेंगे, 50 करोड़, लेकिन हम आरबीआई आपसे वादा करते हैं कि इस 50 करोड़ पे आपको ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, और इंटरेस्ट भी कितना होगा, रेपो रेट से ज्यादा, रेपो रेट से ज्यादा। ये बात हुई सर। अब ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिए, लिखिए, उसके बाद अब मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? चल ध्यान से देखिएगा, लिखा सर MSF इज अ विंडो, विंडो का मतलब ये एक तरीका है, इट इज अ विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई इन एन इमरजेंसी, इन एन इमरजेंसी। हमने लिखा इट इज अ रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, ये वो रेट है जिसपे बैंक पैसा बोरो कर रही है आरबीआई से जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, व्हेन दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, when they are completely exhausted of all borrowing assistance, जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो इस रास्ते से फंड्स बोरो करती है, ठीक? कह रहे एमएसएफ अलाउज बैंक्स, MSF allow banks to borrow money with an interest rate above the repo rate। रेपो रेट पे भी पैसा बोरो किया जा रहा था बट यहां पे एमएसएफ का रेट ज्यादा होगा, एंड कैन बी टर्म्ड एज, और जिस रेट पे अमाउंट बोरो किया जाएगा उसको बोलेंगे कैन बी टर्म्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। सर अगर मैं बोलूं तो जितना रेपो रेट होता है ना उससे 1% ज्यादा होता है एमएसएफ रेट, मतलब अगर रेपो रेट है 4% तो एमएसएफ होगा 5%। ठीक है सर, एमएसएफ किसी भी दिन फंड्स बोरो कर सकता है आरबीआई से, ठीक? एक स्टेटमेंट और लिखते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं, देखिएगा क्या लिखने जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट
इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एमएसएफ रेफर्स टू फैसिलिटी अंडर विच कमर्शियल बैंक्स अंडर विच कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो एन एडिशनल अमाउंट कैन बोरो एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी. ओवरनाइट मनी का मतलब रातों रात पैसा चाहिए फ्रॉम सेंट्रल बैंक या फ्रॉम आरबीआई बाय डिपिंग देयर एसएलआर. चलो भाई, ये हो गया सर हमारा एमएसएफ. ठीक है बेटा, कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए. क्लियर है, स्क्रीन ऊपर कर दीजिए. ये दीजिए, बस जितना मैं लिखवा रहा हूँ इतना 5 मार्क्स के लिए बहुत है. देखो पूरा तो लिख भी नहीं पाओगे, कोई एक आधा पैराग्राफ तो खाई जाओगे. देखो अगर हमने 10 लाइनें लिखी हैं तो एग्जाम में 6 लाइनें लिख पाओगे. अगर तुम इसमें से 6 लिख दोगे तो काफ़ी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. नीचे लास्ट ऑप्शन ये लीजिए. ठीक है बेटा, चलो अब हमारे पास एक एक कंसेप्ट और आता है सर, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. और देखना, ध्यान देना, ये कुछ नहीं है सर, बहुत सिंपल सी फैसिलिटी है जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है. आ रहा हूं मीनाक्षी, एक्स ऑफिशियो पे भी आ रहा हूं बेटा, ये तो खत्म होने दो एक बार. आ रहा हूं, आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, टेंशन ना लो, आ रहा हूं. कह रहे हैं सर, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पढ़ा. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक फैसिलिटी है जिससे बैंक्स अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करती है. क्या बोला मैंने? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक फैसिलिटी है जिससे बैंक्स अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करती है. देखिए क्या लिखता हूं मैं, बोल रहे हैं एल ए एफ इज अ टूल used in monetary policy. कह रहे हैं सर, LAF liquidity adjustment facility एक टूल है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं मॉनिटरी पॉलिसी में. That allows banks to borrow. जो फैसिलिटी अलाउ करती है बैंक्स को कि वो बोरो कर सकते हैं मनी
थ्रू, रेपो, दैट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब कि पहले हम आरबीआई आपको अपनी सिक्योरिटी बेचेंगे और बाद में जब हम आपको पैसा लौटा देंगे तो अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। यही हम पढ़कर आए थे भी। और टू मेक लोन्स टू आरबीआई थ्रू रिवर्स रेपो रेट, या फिर हम रिवर्स रेपो रेट के थ्रू आरबीआई को ही लोन दे देंगे। ठीक, ये जो अरेंजमेंट है ना सर, दिस अरेंजमेंट, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट एक्चुअल में हमारी मदद करता है, इज इफेक्टिव। दिस अरेंजमेंट इज इफेक्टिव इन मैनेजिंग लिक्विडिटी। ये हमारी लिक्विडिटी को मैनेज करने में मदद करता है। दिस इज इफेक्टिव इन मैनेजिंग लिक्विडिटी प्रेशर्स एंड अश्योरिंग बेसिक स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स। तो हम अगर आपसे कोई पूछे तो हम ऐसे बोलेंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जहां बैंक पैसा बोरो भी कर सकता है, लेंड भी कर सकता है। पैसा बोरो करेगा तो रेपो रेट पे, लेंड करेगा तो रिवर्स रेपो रेट पे। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। अगर अदर वर्ड्स में लिखना चाहें तो सिंपल सी बात लिखते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, बेटा दिया हुआ है ओल्ड सिलेबस की बुक्स में, दिया हुआ है, न्यू सिलेबस में नहीं दिया है, ओल्ड सिलेबस में दिया है। इन अदर वर्ड्स LAF हेल्प्स द आरबीआई टू मैनेज लिक्विडिटी एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ये आरबीआई को लिक्विडिटी मैनेज करने में मदद करती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है बाय ऑफरिंग बैंक्स द अपॉर्चुनिटी टू बोरो मनी और टू लेंड मनी। यहां पे पैसा बोरो भी किया जा सकता है और लेंड भी किया जा सकता है। बोरो करेंगे रेपो रेट पे, लेंड करेंगे रिवर्स रेपो रेट पे। ओहो, क्या बात समझ में आती है बेटा? कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए। कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए। चलिए, तो मेजर मेजर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यहां तक कंप्लीट हो गए। ओह, ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ? क्यों, ये तो बहुत सिंपल है कृतिका। ओहो, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से सुनना। कमर्शियल बैंक पैसा बोरो करता है जरूरत के समय पे आरबीआई से। आरबीआई कभी कभी मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो कर लेता है। ये जो फैसिलिटी है ना, जहां कभी कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा बोरो कर रहा है, कभी आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो कर रही है पैसा, ये दोनों चीजें एक फैसिलिटी है जिसको हमने नाम दिया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इस फैसिलिटी के तहत जब कमर्शियल बैंक पैसा बोरो करता है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं, जब आरबीआई पैसा बोरो करता है तो रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। दैट्स इट, कहानी खत्म, गेम ओवर। बोलो कृतिका, क्या समझ नहीं आ रहा? बोलो कृतिका, क्या समझ नहीं आ रहा? अब ठीक है, चलो अब आते हैं, जरा सामने स्क्रीन पे देखेंगे सर, स्क्रीन पे देखेंगे सर, जरा
तो ध्यान से देखिएगा, देखो बेटा मेरा क्वेश्चन सुनना आयुष, ठीक है। रेपो रेट पहले आया या रिवर्स रेपो रेट आया? मैं बोलूंगा पहले लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आई। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट आया। बोलो क्या बात समझ में आई? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ने बोला कि बैंक पैसा बोरो कर सकती है आरबीआई से, तो आरबीआई ने बोला भाई कितने रेट पे, तो बोला रेपो रेट पे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ने ही बोला कि कल को आरबीआई भी पैसा बोरो कर सकती है कमर्शियल बैंक से, किस रेट पे? रिवर्स रेपो रेट से। दैट्स इट, बस खत्म, चलो आ जाओ। तो हमने बोला सर हमारे सामने आ रहा है, मैं आपको इसमें दिखाऊं, एक सेकंड लगेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ, देखो आपके सामने ना मैंने मॉड्यूल खोल दिया सर, खोल दिया, देखो कहीं छुपाई वाली बात ही नहीं है सर, जो कंटेंट मॉड्यूल में पड़ा वही देख लेते हैं सर। कृतिका समय में आया कि नहीं आया पहले फटाफट से बता दो। चलो देखो ध्यान से, कह रहे हैं जो आरबीआई है वो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 3 से बना। तो कहते हैं सेक्शन 3 ऑफ आरबीआई एक्ट स्टेट्स दैट अ बैंक टू बी कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। तो कह रहे हैं सर आरबीआई एक्ट के सेक्शन 3 के तहत एक बैंक बनाया गया इंडिया में, जिसको नाम क्या दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो पर्पज के लिए बनाया गया, कि करेंसी की मैनेजमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी बल्कि आरबीआई करेगी, और जो इंडिया में बैंकिंग बिजनेस कैरी ऑन किया जाएगा वो भी आरबीआई रेगुलेट करेगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरबीआई अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसको परपीचुअल सक्सेशन का बेनिफिट मिला, कॉमन सील बनी, वो अपने नाम से सूट फाइल कर सकता है, हम आरबीआई के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर आरबीआई में आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन आते हैं बेटा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी पोजीशन है आरबीआई में गवर्नर की, उसके अंडर में आए डेप्यूटी गवर्नर, उसके अंडर में आए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो हमारे अगर मैं बोलूं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये चार लोग आ जाते हैं, ये बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं। तो हम लोगों ने बोला सेंट्रल, सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके उसमें गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। फिर हमारे पास आया प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर। अब यहां पे रैंक आपको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे छोटा मैनेजर, उससे बड़ा असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर प्रिंसिपल जनरल मैनेजर। तो कोशिश करिए नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर से नीचे ना आइएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, और मैनेजर से भी सबसे नीचे है असिस्टेंट मैनेजर। तो हम लोगों ने बोला सर सबसे पहले आया असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट के बाद डिप्टी, डिप्टी के बाद जनरल मैनेजर, फिर चीफ, फिर प्रिंसिपल चीफ, और लास्ट में हमारे पास सपोर्ट स्टाफ। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तभी देखिए हम लोगों ने क्या बोला कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये है इज एट द टॉप ऑफ रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए, कह रहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये अपॉइंट करती है और नॉमिनेट करती है डायरेक्टर्स को, जो अपॉइंट होते हैं सेंट्रल बोर्ड पे ऑफ आरबीआई। देखो ये स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं, ये स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं ओल्ड और न्यू दोनों में है, ऑल्दो पूछे जाने के चांसेस आर वेरी लो, बट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंटेंट है ना, ये जरूर पूछा जा सकता है।
बिजनेस डेस्टिनेशन सेज कि हेलो सर प्रोफेशनल स्टूडेंट दिस साइड, हेलो हेलो बिजनेस डेस्टिनेशन हेलो। चलिए अब ध्यान से देखिए, कह रहे जो सेंट्रल बोर्ड है ना, इसमें जो डायरेक्टर्स है वो डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, कह रहे हैं अगर हम बोलें कि सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन लोग होते हैं, तो एक तो हमने बोला सेंट्रल बोर्ड में होता है गवर्नर, फिर हमने बोला नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स, एक गवर्नर है, और मैक्सिमम ध्यान रखिएगा नॉट मोर देन लिखा है, मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर है। ठीक, 4 डायरेक्टर अपॉइंट किए जाने हैं, 4 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड। कह रहे जो लोकल बोर्ड बनाए जाएंगे उसमें से कम हर लोकल बोर्ड से एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका मतलब ये हो गया, एक हो गया गवर्नर, 4 हो गए डेप्यूटी गवर्नर, उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोगों ने बोला 4 हो गए डायरेक्टर्स जो होंगे लोकल बोर्ड से, जो कहां से होंगे? लोकल बोर्ड से। और उसके बाद 10 डायरेक्टर आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग से नॉमिनेट किए जाएंगे। अगर हम इन सबको क्लब करें तो सिचुएशन मेरे सामने कुछ ऐसी है कि एक होगा गवर्नर, 4 होंगे डेप्यूटी गवर्नर, एक होगा गवर्नर, 4 होंगे डेप्यूटी गवर्नर। फिर आगे बढ़े, 4 डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से हम लोगों ने क्या बोला, वन फ्रॉम ईच ऑफ 4 लोकल बोर्ड्स, 4 लोकल बोर्ड्स हैं, हर लोकल बोर्ड से एक डायरेक्टर, तो 4 हो जाएंगे। 10 डायरेक्टर अलग से अपॉइंट किए जाएंगे, 10 डायरेक्टर्स, और ये सब अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और 2 आएंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 2 कौन आएंगे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और ये सब अपॉइंट किए जाएंगे, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक सर, ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे गवर्नर कौन है सर? अभी हमारे गवर्नर कौन है सर? तो हम लोग बोलते हैं अभी हमारे गवर्नर है, लिखेगा श्री शक्तिकांत दास। श्री शक्तिकांत दास, कुछ पूछना हो तो प्लीज बता, पूछते चलिएगा। कुछ भी पूछना हो तो प्लीज पूछते चलिएगा साथ ही साथ। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे आऊं, अपनी बुक में आऊं, तो देखिए क्या लिखा, टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट कितने डायरेक्टर नॉमिनेट कर रही है? 14। 14 में से 4 तो कौन होंगे? एक डायरेक्टर होगा ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड, और 10 अलग से होंगे जो अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ट्रेड प्रोफेशंस। ठीक सर, ठीक सर, यहां पे एक छोटा सा चेंज करेंगे, यहां गवर्नमेंट आज प्रेजेंट टाइम पे 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करती है एज डायरेक्टर्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और जनरली हम बोलते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का फाइनेंस सेक्रेटरी होता है वो यहां पर इस बोर्ड का पार्ट बनता है। इस बोर्ड का क्या बनता है? पार्ट बनता है। वैसे सर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सब 4 साल के लिए वैलिड रहती हैं,
लेकिन जो फाइनेंस सेक्रेटरी यहां पे अपॉइंट होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहां पे अपॉइंट होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव, उनकी कोई लिमिट नहीं होती सर, वो जब तक चाहें तब तक अपॉइंटेड रह सकते हैं। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। लेकिन जितने डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो 4 साल के लिए होते हैं। इसका मतलब अगर गवर्नर अपॉइंट हो रहा है, डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं, तो इनका टर्म कितना है? 5 साल। लेकिन जो बाकी 14 डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं उनका टर्म कितना है? 4 साल। ठीक, अब बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, एक हो गया गवर्नर, अभी हम लोग लिख कर आए थे, 4 हो गए डिप्टी गवर्नर, 14 हो गए डायरेक्टर, 14 और 4 हो गया 18 और 1 हो गया 19, 19 प्लस 2 होंगे रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो टोटल जो मेंबर आ जाएंगे ना वो कितने हो जाएंगे? 21। इस बात का ध्यान रखिएगा कि टोटल मेंबर कितने होने वाले हैं? 21 होने वाले हैं सर, जिसमें से एक है गवर्नर, 4 है डिप्टी गवर्नर, 4 डायरेक्टर है जो लोकल बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, 10 डायरेक्टर हैं जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, और 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल गौरव करना है, बिल्कुल करना है। ठीक सर, हमने बोला ये लोकल बोर्ड क्या है, ये लोकल बोर्ड क्या है, तो लिखा था आरबीआई गवर्नर एंड अ मैक्सिमम ऑफ 4 डेप्यूटी गवर्नर्स आर ऑल्सो एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर्स ऑन द सेंट्रल बोर्ड। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है सर? इनको अलग से हम सेंट्रल बोर्ड का पार्ट नहीं बनाएंगे, जो भी गवर्नर होगा वो बाय डिफॉल्ट सेंट्रल बोर्ड का पार्ट बन जाएगा। कह रहे इसके अलावा रिजर्व बैंक के 4 लोकल बोर्ड हैं। ये जो 4 लोकल बोर्ड है ये कहां कहां पे हैं? एक वेस्टर्न एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एक ईस्टर्न को, एक नॉर्दर्न को और एक साउदर्न को। वेस्टर्न वाला है मुंबई में, ईस्टर्न वाला है कोलकाता में, नॉर्दर्न वाला है दिल्ली में और साउदर्न वाला है चेन्नई में। तो 4 लोकल बोर्ड हैं। 4 लोकल बोर्ड कहां कहां पे हैं? तो हमने बोला वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्ट में कहां पे है? मुंबई में। ईस्ट में कहां पे है? कोलकाता में। नॉर्थ में कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और साउथ में कहां पे है? चेन्नई में। इन जगहों पे लोकल बोर्ड बने हैं आरबीआई के। ठीक, कह रहे जो ये बोर्ड है ना इसको रन करने के लिए हर बोर्ड में 5 मेंबर्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है 4 सालों के लिए। ठीक, ऑल दो ये बाद में रीअपॉइंट हो सकते हैं, इसमें प्रोविजन अवेलेबल है। ठीक है, बात यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बोला कि सर आरबीआई की बहुत सारे ब्रांचेस भी हो सकती हैं। तो लिखा आरबीआई हैज अ नेटवर्क ऑफ ऑफिसेज एंड ब्रांचेस जिससे वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करती हैं। लिखा था यूनिट ऑपरेटिंग इन 4 मेट्रोस दैट इज मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई आर नोन एज ऑफिसेस। और इसके अलावा जो बाकी यूनिट्स हैं जो अलग अलग शहरों में हैं उनको हम लोगों ने नाम दिया ब्रांचेस। तो जो ऑफिसेज हैं वो कितने हैं? 4, और बाकी जितनी बच गई वो सब क्या हैं? ब्रांचेस। कह रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे सारे ऑफिसेज और ब्रांचेस को मिला दिए जाएं तो टोटल 27 ऑफिसेज और ब्रांचेज हैं। तो 4 तो उसमें से ऑफिस हो गई, 23 ब्रांचेज हो गई। तो लिखा करेंटली रिजर्व बैंक हैज इट्स ऑफिस इंक्लूडिंग ब्रांचेस एट 27 लोकेशंस इन इंडिया। और हर लिखा द ऑफिस एंड लार्जर ब्रांचेस आर हेडेड बाय अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ चीफ जनरल मैनेजर डेजिग्नेटेड एज रीजनल डायरेक्टर व्हाइल स्मॉलर ब्रांचेस आर हेडेड बाय अ सीनियर ऑफिसर विद द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर। तो जितनी बड़ी ब्रांचेस हैं उनको चीफ जनरल मैनेजर हैंडल कर रहा है और जो छोटी ब्रांचेस हैं उनको जनरल मैनेजर कंट्रोल कर रहा है। ये आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है सर इस आरबीआई का। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये ओल्ड सिलेबस में भी है, न्यू में भी है, आप लोगों ने इसको ऐसे ही करना है सर। ठीक है सर, इसके बाद जरा हम थोड़ा नीचे आते हैं सर। नीचे आए सर तो हमको पता चला कि हमारे सामने मॉनेटरी पॉलिसी दी है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीआरआर, एसएलआर, ये सब डिस्कस कर लिया है। लेकिन हमारे सामने एक कमेटी आती है जिसको हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके बारे में ऑल्दो हमने भी थोड़ा सा पढ़ा,
लेकिन यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कौन कौन पार्ट है। तो हम लोगों ने बोला ऐसे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सर ये बनाएगी कौन? तो हम लोगों ने बोला कि सर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगा कौन? तो हम लोगों ने बोला इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, इस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन लोग होंगे? तो हमने बोला मेंबर्स पहले नंबर पे, जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है, जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा वो यहां पे इस कमेटी का चेयरपर्सन बनेगा। मेरा क्वेश्चन क्या, बहुत ध्यान से सुनना मीनाक्षी, आप अगर क्लास देख रही हैं तो और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन को अलग से नॉमिनेट किया, अलग से अपॉइंट किया, या जो आरबीआई का गवर्नर है वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन है, ये तय है? तो कह रहे सर हमने अलग से किसी को अपॉइंट नहीं किया, जो आरबीआई का गवर्नर था हमने उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया, इसीलिए हम इसके नाम के आगे लिख देते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब हम अलग से इसको अपॉइंट नहीं कर रहे, एक्स ऑफिशियो हम अलग से इसको अपॉइंट नहीं कर रहे, जो भी आरबीआई का गवर्नर है वो बाय डिफॉल्ट इस कमेटी का चेयरपर्सन बन जाता है। ठीक सर, सेकेंड नंबर पर डेप्यूटी गवर्नर, कौन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो कौन है इंचार्ज है मॉनेटरी पॉलिसी का, किसी एक डेप्यूटी गवर्नर को हम मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज बनाएंगे, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज होगा उसको हम यहां पे मेंबर बना देंगे इस कमेटी का। क्या बना देंगे बेटा? मेंबर। और जैसे ही वो कमेटी का मेंबर बनेगा, क्या मैं बोल दूं ये भी एक्स ऑफिशियो है, हम अलग से इसको अपॉइंट नहीं कर रहे, जो डिप्टी गवर्नर है वही इस कमेटी का मेंबर भी है। ठीक है, फिर हमने बोला वन ऑफिसर ऑफ बैंक टू बी नॉमिनेटेड, बैंक ना लिख करके लिख देते हैं वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई का एक ऑफिसर जो सेंट्रल बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा वो भी यहां पे क्या बनेगा? मेंबर बनेगा। और लास्ट में लिख दिया थ्री पर्संस टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तीन पर्सन और अपॉइंट किए जाएंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अब देखो, एक हो गया गवर्नर, एक हो गया डेप्यूटी गवर्नर, एक हो गया ऑफिसर ऑफ आरबीआई, और एक हो गया थ्री पर्सन्स। तो टोटल कितने लोग हो गए? टोटल छह लोग हो गए। टोटल कितने लोग हो गए बेटा? छह। एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए। देखो मैं तुमको सारा टेक्निकल पार्ट करा रहा हूं। देखो जैसे जो फंक्शंस है ना वो बड़े सिंपल है, फंक्शंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन जो प्रॉब्लम है वो इन सब में। फंक्शंस तो आप एक बार खुद भी पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे, ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली है। बोलो बेटा क्या बात समझ में आता है? जवाब देंगे जरा फटाफट से। अभी आते हैं हम कुछ पेमेंट एंड सेटलमेंट पे आते हैं, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, नो टेंशन।
एक ही कमेटी में एक ही होगा, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो भी वो डेप्यूटी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज है, बस वो, चारों नहीं। ठीक, अभी देखो हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बची हैं, एक मीटिंग्स और एक उसके बाद पेनल्टीज, क्योंकि पेनल्टी जो बुक में आपकी लिखी है उसमें अमेंडमेंट्स थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पेनल्टीज अलग से बतानी है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, मीटिंग्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो पहले नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बस सिर्फ पढ़ते चलना है सर, बहुत सिंपल सिंपल सा है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। लिखा था बैंक शैल ऑर्गेनाइज, बैंक का मतलब आरबीआई, शैल ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 4 मीटिंग्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन अ ईयर। तो कम से कम एक साल में 4 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होंगी। ठीक है, कह रहे हैं द मीटिंग शेड्यूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर अ ईयर, कह रहे पूरे साल में होने वाली मीटिंग्स का शेड्यूल पब्लिश कर दिया जाएगा एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द फर्स्ट मीटिंग इन दैट ईयर। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में जब पहली मीटिंग होगी, जब एक पर्टिकुलर ईयर में पहली मीटिंग होगी, तो उसी टाइम बता दिया जाएगा कि आने वाली अगली 3 मीटिंग पूरे साल में और कब कब होनी है, तो एडवांस में शेड्यूल दे दिया जाएगा। कह रहे हैं सर अगर मान लीजिए आपने मीटिंग शेड्यूल की हुई है, क्योंकि वो एडवांस में शेड्यूल हो चुकी है, और अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो लिखा था मीटिंग शेड्यूल में बी चेंज्ड ओनली बाय वे ऑफ डिसीजन टेकन एट अ प्रायर मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो अगली मीटिंग का शेड्यूल अगर चेंज करना है, तो उससे पिछली जो मीटिंग हो रही है उसी में डिस्कशन कर लो, डिसीजन ले लो कि जो अगली मीटिंग शेड्यूल्ड है क्या उसमें कोई चेंज करना है, और अगर गवर्नर को लगता है तो एडिशनल मीटिंग जरूरत है, जो 4 मीटिंग शेड्यूल्ड है वो तो है ही है, इसके अलावा अगर कोई एडिशनल मीटिंग करनी है, इट इज रिक्वायर्ड और अ मीटिंग इज टू बी रीशेड्यूल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज, तो गवर्नर ऐसा कर सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मीटिंग के शेड्यूल में कोई भी चेंज होगा तो तुरंत जल्दी से जल्दी उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, जिससे सबको पता चल जाए कि आरबीआई की मीटिंग कब होने वाली है। जब उन्होंने बोला आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें 6 लोग थे, जिसमें से कोरम होगा शैल बी ऑफ 4 मेंबर्स, जिसमें कम से कम अगर मैं बात करूं तो एक गवर्नर का प्रेजेंट होना तो जरूरी है, अगर गवर्नर नहीं है तो डेप्यूटी गवर्नर का होना बहुत जरूरी है। कौन सा डेप्यूटी गवर्नर? वही डेप्यूटी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने बोला कम से कम कोरम क्या है, हम लोगों ने बोला सर कोरम की अगर मैं बात करूं तो कोरम है 4 का, लेकिन 4 में से ध्यान रखिएगा किसका प्रेजेंट होना जरूरी है, गवर्नर का। अगर गवर्नर प्रेजेंट नहीं है तो फिर कौन प्रेजेंट होगा? कम से कम डिप्टी गवर्नर, अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक सर, कह रहे मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, प्रिसाइड करने का मतलब कौन लीड करेगा, तो मीटिंग को लीड किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, अगर गवर्नर नहीं है तो डिप्टी गवर्नर वाला, अगर दोनों ही नहीं है तो मीटिंग होगी नहीं। हर मेंबर के पास, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हर मेंबर के पास 1 वोट होगा। ठीक है सर, कह रहे हैं लेकिन मेंबर्स तो 6 हैं, अगर 6ों प्रेजेंट हैं, अगर 6ों ने वोटिंग की और वोटिंग का रेशियो आया 4:2, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6ों प्रेजेंट हैं और वोटिंग का रेशियो आ गया 3:2, तो कह रहे हैं जो गवर्नर होगा ना उसके पास कास्टिंग वोट होगा। कौन सा वोट होगा? कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 6 लोग हैं, 6 में गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, एक आरबीआई का ही ऑफिसर है और 3 अलग से नॉमिनेटेड पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर 3:3 इसका रेशियो आ गया तो गवर्नर को एक और वोट देने का मौका मिलेगा। तभी लिखा ऑल क्वेश्चंस व्हिच कम अप बिफोर एनी मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल बी डिसाइडेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स बाय द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। वे जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें मेजोरिटी देखी जाएगी, और अगर कहीं इक्वालिटी हो जाए तो गवर्नर शैल हैव अ सेकेंड और कास्टिंग वोट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे यहां तक तो हमको सब कुछ समझ में आया। फिर लिखा ईच मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल राइट अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजन फॉर वोटिंग इन फेवर और अगेंस्ट द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन। जिन जिन मेंबर्स ने फेवर में वोट दिए हैं, जिन जिन मेंबर्स ने अगेंस्ट में वोट दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फेवर में देना चाहे फेवर में दें, अगेंस्ट में देना चाहे अगेंस्ट में दें, लेकिन आपको रीजन देना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आपने फेवर में वोट दिया तो क्यों फेवर में दिया, अगर अगेंस्ट में वोट दिया तो क्यों अगेंस्ट में दिया, आपको ये बताना होगा। आपको ये बताना होगा। तो स्क्रीन विजिबल नहीं है, मेरा फेस विजिबल नहीं हो रहा क्या? अभी सही होगा। हाँ जी, फिर देखिए नीचे क्या आया।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो भी हो रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक सर, देखिए क्या लिखा है, आरबीआई शैल इन एवरी 6 मंथ्स, मतलब हर 6 महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कमेटी क्या करेगी, एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट तैयार करेगी और हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार करके बताएगी व्हाट इज द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी इन्फ्लेशन है तो वो इन्फ्लेशन किस वजह से है, एंड फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड बिटवीन 16 to 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि जिस दिन आप डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रहे हैं, जिस दिन आप रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, उसके आने वाले अगले 1 से 1.5 साल में इन्फ्लेशन कैसे रिएक्ट करेगी उसके बारे में फोरकास्टिंग करिए, बताइए बेटा, बताओ क्या यहां तक सारी बात क्लियर है, बोलो बच्चे क्या यहां तक सारी बात क्लियर है। सर आरबीआई एक्ट में एक सेक्शन आता है सेक्शन 58B जो पेनल्टीज की बात करता है, ऑल्दो जब आप इस सेक्शन 58 को पढ़ेंगे तो इसमें सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, फिर 4 के बाद 4A, 4AA, 4AAA, 5 के बाद 5A, 5B, 6 ऐसे करके 6 सब सेक्शन हैं, लेकिन मैंने उन सब सेक्शन को हटा के सिंप्लीफाइड वे में आपको कुछ पेनल्टीज दी हैं जो आप अपनी याद करके जाइए, और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीआई में कौन कौन सी पेनल्टीज हैं आप बस यही लिखिए, मोर देन इनफ। और कोई आपको पेनल्टी लिखने या याद करने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ें बेटा, चलो फटाफट से इन पेनल्टीज को करते हैं फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। दो चीजें इसके बाद और करेंगे, एक पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन और एक प्रोडेंशियल नॉर्म्स, ये पक्का करवाऊंगा मैं अभी। ठीक है कृष्णा, ठीक है स्वामी का, कॉम्बैटिंग काउंटर फिटिंग भी करा दूंगा, लो उत्तम। चलो तीन चीजें हो गई, एक हो गया पेमेंट सेटलमेंट, एक हो गया कॉम्बैटिंग काउंटर फिटिंग और एक हो गया प्रोडेंशियल नॉर्म्स, डन रही बात, अभी पढ़वा दूंगा तुमको, बिना पढ़ाए नहीं जाऊंगा। ठीक है चलो ध्यान से देखेंगे जरा, हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स मोर और उसके बाद हमारा ये कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम है स्वर्णिका, ओ मैंने क्या बोला था, स्वामिका। भाई देखो गूगल पे तो मेरे को जो लिखकर आ रहा है ना, मेरे को तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि स्वामिका। स्वामिका देख लो भाई, अब गुस्सा गुस्सा नहीं होना, क्योंकि जब चैट बॉक्स में मेरे पे आर और एम लिखकर आ रहा है ना, आर के साथ एन और एम तो लगभग एक जैसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो अलग से मेरे को मैसेज कर देना आप, ध्यान से देखिए क्या लिखा, क्या लिखा, हु एवर इन एनी एप्लीकेशन डिक्लेरेशन रिटर्न स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स मेड रिक्वायर्ड और फर्निश बाय और अंडर फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी अगर इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन की वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई डिक्लेरेशन देनी है, कोई रिटर्न देनी है, कोई स्टेटमेंट देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर और एनी ऑर्डर रेगुलेशन और डायरेक्शन मेड और गिवन और इन एनी प्रोस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट इशूड विद द इन्विटेशन बाय एनी पर्सन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, या आपने किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर था, कोई रेगुलेशन थी, कोई डायरेक्शन थी, या आपने कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया, कोई एडवर्टीजमेंट निकाला जिससे आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, विलफुली मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, या जो इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपने नहीं दी, और विलफुली ओमिट्स टू मेक अ मटीरियल स्टेटमेंट, देन आपको जेल होगी मैक्सिमम 3 ईयर्स की, और फाइन भी लग सकता है, लेकिन फाइन के बारे में लॉ मेकर ने यहां पे कुछ नहीं बोला, कितना फाइन लगेगा कुछ नहीं बताया गया। यदि आंख प्रॉब्लम कर रही है, उत्कर्ष थोड़ी बहुत तो कर ही रही है अभी, वो असल में वो मैं ब्लैक ग्लासेस लगा के और ब्राउन ग्लासेस लगा के आ रहा था, तो सबको लग रहा था मैं हीरोपंती कर रहा हूँ, सबको लग रहा था कि मैं डॉन बन गया हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द सहन कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। हाँ तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगी कितने साल की, 3 साल की। ठीक है फिर नीचे देखिए क्या लिखा, कह रहे कोई पर्टिकुलर पर्सन है who fails to produce any book, account or other document or furnish any statement, information or particulars
कह रहे हैं आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई थी बट आप इंफॉर्मेशन दे नहीं पाए, आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने थे, आपने पता नहीं मेंटेन किए नहीं किए, बट हमने जब आपसे मांगे तो आप आरबीआई को वो प्रेजेंट नहीं कर पाए। ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर फाइन लगेगा विच में एक्सटेंड टू ₹1,00,000। पहले ये फिगर थी 2,000, अभी लेकिन कितनी कर दी गई है 1,00,000। ₹1,00,000 तक आपके ऊपर फाइन लग सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफेंस, मतलब हर गलती के लिए। और अगर मान लीजिए आप ये गलती कंटिन्यूड रखते हैं तो हर डे के हिसाब से, पहले ₹100 पेनल्टी थी बट अभी कितनी है ₹5,000। तो ये ध्यान रखिएगा अपनी बुक्स में अपने नोट्स में इनको अमेंड कर लीजिएगा। मैंने जानबूझ के पहले अमेंड नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको भूल जाएं, इसीलिए मैंने आपको यहां पे अलग से करा दिया कि भैया आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को यहां पे कवर अप करना है और ये अमेंडमेंट कर लेनी है, तो इस अमेंडमेंट का ध्यान जरूर रखेंगे आप। ठीक है, ठीक है सर। कृष्णा बेटा टेंशन ना लो, हम प्लानर दे देंगे, काहे परेशान हो रहे हो। बस आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक देख लीजिए कहाँ से है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, प्लानर आपको हम वहां पे दे देंगे क्लास खत्म होते ही। ठीक, फिर कह रहे सर मान लीजिए लिखा इफ एनी पर्सन डिस्क्लोजेज एनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, इफ एनी पर्सन डिस्क्लोजेज एनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना प्रोहिबिटेड था, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की कोई क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर दी और वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना प्रोहिबिटेड था, तो जिसने डिस्क्लोज की उसको इम्प्रिजनमेंट, उसको क्या होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, या फाइन लगेगा 1,000 का और विद बोथ। ठीक सर। फिर कह रहे मान लीजिए कोई ऑडिटर है, इफ एनी ऑडिटर फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शंस जो आरबीआई ने दिया, तो उस ऑडिटर पे जो फाइन लगेगा वो लगेगा, पहले 5,000 तक था, अभी कितना हो गया ₹1,00,000 तक हो गया। तो अब 5,000 आपको नहीं पड़ना है, मैं इसको यहाँ पे देखो जो जो चीजें हट गई है ना मैं उनको ऐसे कर देता हूँ, ये लो ये लो ये लो, तो अब हट के कितना हो गया है ₹1,00,000 ये लो। बाद में लिखा इफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज कॉन्ट्रावेंट, या इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी तरीके के प्रोविजन का वायलेशन करता है जिसके रिगार्डिंग यहां कुछ नहीं लिखा, तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर फाइन लगेगा ₹1,00,000 तक, और अगर वो कंटिन्यूड रहा, क्या रहा कंटिन्यूड रहा, तो ऐसी सिचुएशन में पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा ₹10,000 का, पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा ₹10,000 का। और ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम 10,000 लिखा है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट 10,000 नहीं लिखा, हाँ 10,00,000 ही करना है बेटा, जो मैंने लिखा हुआ है ये सही लिखा है मॉड्यूल में, सही लिखा हुआ है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मेरी बुक में मेरे नोट्स में गलत लिखा हुआ है, उसमें अमेंड नहीं हुआ हुआ था इसलिए मैंने उसको चेंज करवा दिया यहाँ। ठीक है, तो ये पेनल्टीज आपको अलग से याद करनी है, ध्यान दीजिएगा इस पे, इनको छोड़ के नहीं जाइएगा। चलिए अब जरा फंक्शंस पे आते हैं सर, और हमारे सामने तीन तरीके के फंक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट देते हैं, एक है प्रूडेंशियल नॉर्म्स, एक है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और एक है हमारे पास कॉम्बैटिंग काउंटरफीटिंग। चलो सबसे पहले प्रूडेंशियल नॉर्म्स कर लेते हैं। देखो जितना कंटेंट दिया है इतना करिए, इससे ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, जितना दिया हुआ है उतना पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान से लेकिन पढ़ेंगे। ठीक है करें स्टार्ट, आइए करते हैं सर प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करते हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है सर, कह रहे हैं कि सर जैसे आप एक बैंक है, तो बैंक क्या कहता है या आरबीआई बैंक से क्या कहता है कि क्योंकि आप एक बैंक है, आपके पास लोगों का पैसा है, तो आपको कुछ नॉर्म्स फुलफिल करके चलने पड़ेंगे, उन नॉर्म्स को आप छोड़ नहीं सकते, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से नॉर्म्स फुलफिल करने हैं, आप उनको कम से कम मेंटेन करके चलिएगा, ऐसे नॉर्म्स को हम नाम दे देते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स। मतलब कि अगर आप एक बैंक हैं तो आरबीआई आपसे कह रहा है कि बैंक आप कम से कम कुछ नॉर्म्स फुलफिल करके चलिएगा, तभी बोला इन ऑर्डर टू, ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक, आरबीआई चाहता है कि जो बैंक्स है ना उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग रहे, इसीलिए रिजर्व बैंक ने बोला इट हैज बीन प्रिस्क्राइबिंग एप्रोप्रिएट प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर देम इन रिगार्ड टू, किसके रिगार्डिंग इनकम रिकॉग्निशन, कि आप कहां से पैसा कमाते हो उसके बारे में बताओ,
आपके असेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, कितनी शॉर्ट टर्म हैं, कौन कब मैच्योर होने वाली हैं, एंड प्रोविजनिंग, कैपिटल एडिक्वेसी, कितनी कैपिटल है, कितना डेट है, आपने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका कितना पैसा कैपिटल मार्केट में लगा हुआ है, इन सब के रिगार्डिंग आप अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर्स दीजिए। अगर आप इन सब चीजों के रिगार्डिंग बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर्स देते हैं तो हम मान के चलेंगे कि आपका बैंक, पता लग जाएगा कि आपका बैंक कितना क्रेडिबल है, वो मार्केट में सस्टेन करेगा फ्यूचर में या नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर आरबीआई बैंक्स को बोल रहा है कि आप अपनी बैलेंस शीट में कुछ चीजों के डिस्क्लोजर्स दीजिए, कुछ नॉर्म्स फॉलो करिए। वो नॉर्म्स हैं जैसे इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन, कैपिटल एडिक्वेसी, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। जैसे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी पे आते हैं पहले, और बोला गया कि रिजर्व बैंक कह रहा है बैंक से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करिए, क्लासिफाई तीन कैटेगरी में। पहले नंबर पे हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है सर कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपने ऐसी रखी हुई है जो मैच्योरिटी के टाइम पर आपको पैसा दे देगी। जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की 10 साल के लिए, तो ये हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो अवेलेबल फॉर सेल है, अवेलेबल फॉर सेल का मतलब जब चाहे उसको बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, जिनको आप मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो कैपिटल मार्केट। तभी हम लोगों ने बोला यहां पे से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक को बोला HTM हेल्ड टू मैच्योरिटी, एक को बोला अवेलेबल फॉर सेल AFS, एक को बोला हेल्ड फॉर ट्रेडिंग HFT। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना सर, ये करंट है, लेकिन जो हेल्ड टू मैच्योरिटी है ना, ये लॉन्ग टर्म थी। ये क्या थी, लॉन्ग टर्म। तभी लिखा था सिक्योरिटी हेल्ड अंडर HFT एंड AFS शॉर्ट टर्म वाली, दीज कैटेगरीज हैव टू बी मार्क्ड टू मार्केट पीरियोडिकली एंड डेप्रिसिएशन इफ एनी नीड्स एप्रोप्रिएट प्रोविजन बाय बैंक्स। ये ऐसी एसेट्स हैं जिनको हम पीरियोडिकली एनालाइज करेंगे, क्योंकि पीरियोडिकली इनकी शायद वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो HTM कैटेगरी है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, इट मस्ट बी कैरीड एट एक्विजिशन और अमोर्टाइज कॉस्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। लेकिन सर जो HTM हेल्ड टू मैच्योरिटी है, ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, तो इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि कब ये मैच्योर होगी और मैच्योरिटी से पहले कहीं इसकी वैल्यू ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखा लोन्स एंड एडवांसेस। चेक करिए कि बैंक ने कितना लोन दिया हुआ है, कितना लोगों को एडवांस दिया हुआ है। सर जब बैंक किसी को लोन देता है ना, तो उसमें NPA क्रिएट हो जाते हैं, तो हमको ये चेक करना है कि बैंक का NPA ना कम से कम रहना चाहिए। अगर बैंक का NPA बहुत ज्यादा है तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। तभी लिखा इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ देयर लोन्स एंड एडवांसेस, द रिजर्व बैंक रिक्वायर्स बैंक्स टू क्लासिफाई देयर लोन एसेट एज परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग। इसीलिए बोला गया कि बैंक ने जितना लोन दिया है ना, उस लोन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक परफॉर्मिंग एसेट, एक नॉन परफॉर्मिंग। अगर परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा है तो बैंक के लिए दिक्कत है। इसीलिए देखिए लिखा गया है NPA को हम लोगों ने फर्दर कैटेगराइज किया। तो पहले हम लोगों ने लोन्स एंड एडवांसेस बाय बैंक को कैटेगराइज किया, लोन्स एंड एडवांसेस बाय बैंक्स, पहले इनको कैटेगराइज किया, तो पता लगा दो होते हैं, एक होता है परफॉर्मिंग और एक होता है नॉन परफॉर्मिंग। एक हुआ परफॉर्मिंग और एक क्या हुआ, नॉन परफॉर्मिंग। फिर पता लगा नॉन परफॉर्मिंग भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे नॉन परफॉर्मिंग पहले तरीके का आया सब स्टैंडर्ड, फिर दूसरे तरीके का आया डाउटफुल, फिर तीसरे तरीके का आया लॉस असेट्स। तो इस तरीके से हमको NPA कैटेगराइज करना। फिर लिखा कैपिटल एडिक्वेसी, जरा ये बताइए कि आपकी असेट्स के कंपैरिजन में आपकी कितनी कैपिटल है। तो लिखा था रिजर्व बैंक हैज इंस्ट्रक्टेड बैंक्स टू मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, और लिखा द एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स, कि असेट्स के कंपैरिजन में आपकी कितनी कैपिटल। तो इस तरीके से आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, बस इतना ही आपको करने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर आगे आते हैं सर, हमारे पास आया कॉम्बेटिंग काउंटरफिटिंग। आप लोगों ने अभी एक सीरीज देखी होगी फर्जी सीरीज आई है सर शाहिद कपूर की, और कह रहे हैं कि मार्केट में लोग नकली करेंसी ना बनाए, इसको रोकने के लिए आरबीआई को बहुत स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मार्केट में जो करेंसी है वो सिर्फ आरबीआई ही छाप सकती है,
लेकिन अगर हम और आप मिलकर छापने लग जाएं तो फिर तो सर नुकसान होगा इकोनॉमी का। सरकार उसको रोकना चाहती है आरबीआई के थ्रू। तो लिखा आरबीआई इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीरियोडिकली रिव्यूज एंड अपग्रेड्स द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द बैंक नोट्स। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बार बार टाइम टू टाइम जो हमारे करेंसी नोट्स हैं उसके सिक्योरिटी फीचर्स को इंप्रूव करती रहती है, जिससे कि नकली नोटों के बारे में पता चल पाए। इट ऑल्सो शेयर्स इंफॉर्मेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक सीबीआई, लाइक रॉ, लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनके साथ वो सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे कि उनको पता चल सके कि मार्केट में कहीं नकली नोटों की काउंटरफिटिंग तो नहीं हो रही है, स्मगलिंग तो नहीं हो रही है। इट हैज ऑल्सो इशू डिटेल गाइडलाइंस टू बैंक्स एंड गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफिसेज ऑन हाउ टू डिटेक्ट, कि कैसे नकली नोटों के बारे में पता चले, कैसे पता किया जा सकता है, और अगर नकली नोट पता लग जाए तो कैसे उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे उनको अपने कब्जे में ले लिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक पॉइंट और हमारे सामने आता है सर, उसको भी मैं आपको करा देता हूं, पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन। कुछ नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मेरी बात को सुनिए और अपने आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं सर, जैसे आजकल मोबाइल ऐप्स मिंत्रा, जोमैटो, स्विगी, ऐसी सिचुएशन में सर, नहीं बेटा गौरव जैन, सिस्टम और फंक्शन दोनों अलग नहीं है, सेम ही है, अलग अलग नहीं है, कंटेंट लिखा हुआ है अलग है बट कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। क्या लिखा है सर ध्यान से, पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन का क्या मतलब है समझिएगा। जैसे आप लोग क्या करते हैं, हम किसी की दुकान पर जाते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वैप कर देते हैं, हम किसी ऐप को खोलते हैं, उसमें से कुछ सामान परचेज करते हैं, तुरंत हम पेमेंट लिंक पे चले जाते हैं, वहां पे पेमेंट कर देते हैं। ऐसे फंक्शन को हमने बोला पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन। हम जब क्रेडिट कार्ड से स्वैप करते हैं ना सर, तो डेली के डेली जितना भी क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से हमारे पास पेमेंट आती है, हम उसको डेली शाम को सेटल कर देते हैं, जिससे हमको पता लग जाता है कि रोज के रोज हमारे पास इतना पैसा है और उतना ही पैसा हमारे खाते में भी चला जाता है। इसी तरीके से जैसे हम लोग, जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ऑर्डर करते हैं वेबसाइट, तो वेबसाइट पे क्या होता है, सारी चीजें आप सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो आपके पास एक लिंक आता है कि आप अब आप पेमेंट गेटवे पे जाने वाले। वो पेमेंट गेटवे की परमिशन हम आरबीआई से लेते हैं, तभी जब हमको आरबीआई परमिशन देता है तभी वो पेमेंट गेटवे हमारी वेबसाइट पे लग जाता है, अदरवाइज वो हमारी वेबसाइट पे नहीं लगता। तो ये जो पेमेंट गेटवे का सेटल सिस्टम है ना, इसको हम लोगों ने नाम दिया पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन। अभी लिखे लिखा 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 है, पार्लियामेंट ऑफ इनएक्टेड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। और पेमेंट सिस्टम की जिम्मेवारी किसको दे दी गई, आरबीआई को, कि भैया आप इससे रिलेटेड सारी बातों को समझिए। फिर लिखा नो पर्सन शैल कमेंस और ऑपरेट अ पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट विद एन ऑथराइजेशन इशूड बाय आरबीआई। अगर हम कोई पेमेंट सिस्टम अपने किसी भी मेथड में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिना आरबीआई के परमिशन के हम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आरबीआई ने आपको एक बार ऑथराइजेशन दे दी है कि आप पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कल को आरबीआई आपकी इस ऑथराइजेशन को कैंसिल भी कर सकती है। मतलब अगर मेरी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगा है तो कल को, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगता है, तो रेजर पे ने पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए उस फैसिलिटी को अवेल किया और हम लोगों को उसने एक पेमेंट गेटवे दिया। तो अगर आरबीआई ने किसी को ऑथराइजेशन दी है तो कल को अगर उसने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं की तो आपकी उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को कैंसिल भी किया जा सकता है। ऐसा ना सोचिएगा कि एक बार आपको फैसिलिटी मिल गई तो अब आगे हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से देखिए क्या लिखा है, लिखा था रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम इज बीइंग इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक। आज प्रेजेंट टाइम पे जब से डिजिटलाइजेशन आया है तब से ये बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं, इसलिए सेफ एंड एफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ दिस सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ऑफ आरबीआई। आज प्रेजेंट टाइम पे इसको बिल्कुल सेफ बनाना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पेमेंट, आपने पेमेंट की सीए अरुण सेतिया क्लासेस की वेबसाइट पे और पेमेंट का पैसा चला गया किसी और के खाते में, तो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा सर, है ना। तभी लिखा था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, और आरबीआई को हमने इसकी पावर दे दी। बस खत्म, इससे ज्यादा तो और कुछ है भी नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोगों ने आज क्या क्या किया सर, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें की। हम लोगों ने एक तो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, क्या पढ़े, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ा,
या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा, और पॉलिसी के साथ साथ कमेटी के बारे में पढ़ा, हमने पेनल्टीज पढ़ी, हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने तीन ही फंक्शंस पढ़े, लेकिन बाकी फंक्शंस ऐसे सच कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सारे फंक्शंस नहीं पढ़े, तीन फंक्शंस पढ़े, जिसमें एक हम लोगों ने, जो आप लोगों ने मेरे को बोला, कॉम्बैटिंग काउंटरफिटिंग, एक हम लोगों ने पढ़ा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और एक हम लोगों ने पढ़ा प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो आज हम लोगों ने जितना कंटेंट किया है सर, ये आरबीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट था, जो आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए था। एक बार इसको बुक से, मेरे नोट से या मॉड्यूल से जरूर पढ़िएगा। सर पेपर के लिए इतना ही पढ़ें तो सही रहेगा। देखो फंक्शंस को एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा, दैट्स इट। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको पढ़ने की जरूरत, फंक्शंस को बस एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, दैट्स इट, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्वरली कुलकर्णी, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बोथ ग्रुप्स वाले एग्जाम टाइम पे किस तरीके से प्रिपरेशन करें। मैं आपको एक शेड्यूल बना के दूंगा, उस शेड्यूल को फॉलो करिएगा, टाइम वाइज आपका 110% कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। देखो ये बात तो पक्की है कि अगर मैं बात करूं कि एग्जाम टाइम पे हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, खास करके तब जब हम बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जितना टाइम हो उतने टाइम को अगर हम थोड़ा सा यूटिलाइज करें तो मैनेज हो सकती हैं चीज़ें। देखो यश, मेरा मानना यह है कि डर सबको लगता है ना, ये आपने एड में भी सुना होगा। देखो अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसे कह रहा है ना कि वो बिल्कुल नहीं डर रहा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर हमको इसी बात का डर है कि हमको डर नहीं लग रहा, तो मेरा मानना यह है कि भाई देखो नर्वसनेस एग्जाम की सबको होती है, क्योंकि एग्जाम एक्चुअल में आपसे प्रेशर हैंडल करवाना ही सिखवाते हैं। तो डरने वाली बात की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो हम सबको डर लगता है, हम जब पेपर करते हैं, पेपर देने वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारी इवैल्यूएशन होनी होती है ना, तो हमको डर तो लगता है। लेकिन अगर हम बहुत बार उसी पे ध्यान लगा के रखे रहेंगे ना, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो फिर हम कभी भी एक्चुअल में अपने मेन मुद्दे को फोकस ही नहीं कर पाएंगे। हमारा मेन काम अभी यह है कि आज 2 तारीख हुई है, 20-21 तारीख से हमारे पेपर हैं, हमको अगले आने वाले 18 दिन ऐसे मेहनत करनी है जैसे कि हमने इन्हीं 18 दिनों में सब कुछ पढ़ डालना है, सिर्फ सोना है और पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। आपके दिमाग में अभी कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, पढ़ाई। देखो ये 15 दिन, ये 20 दिन आपके आगे आने वाले 6 महीने डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से इन 15-20 दिनों में भी पूरी मेहनत करके पढ़ेंगे, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं कि आपकी अगर अभी तैयारी नहीं भी है ना, तो भी शायद आपको पता नहीं है, आप अगले 15 दिन अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके शायद पेपर निकल जाए। देखो जो टाइम निकल गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं, वो वापस नहीं आने वाला। अभी जो टाइम है उसको अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करें, जिससे कि कम से कम कल को ये बात हमारे दिमाग में रहे कि भाई जितना टाइम हमारे पास था हमने उतनी मेहनत तो की थी, तो आप टेंशन ना लीजिए। अगर आप बहुत बार दिमाग में सोचते रहेंगे ना, तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। कल की क्लास अगर होएगी तो हम आपको जरूर से टाइम बताएंगे, अगर होएगी तो रात में ही करेंगे, जैसा भी होगा विल लेट यू नो, बट शेड्यूल जरूर फॉलो होगा। मंडे को जिस टॉपिक की क्लास होनी है उस टॉपिक की क्लास होकर रहेगी, ये पक्की बात है, इस बात पे कोई दो राय नहीं। रात में क्लास 9:30 बजे जो मंडे से लेके नेक्स्ट वीक सैटरडे तक शेड्यूल्ड है वो वैसी की वैसी ही होगी। कल संडे की क्लास का टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, जैसा भी होगा विल लेट यू नो, बट मंडे की क्लास तो 110% होने वाली। बाकी ये नोट्स और प्लानर मैं अभी आपको लिंक पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल के लिंक को ज्वाइन करिएगा, उसी पर मिल जाएगा। ठीक है, चल तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, कोई दिक्कत लगे तो डू लेट मी नो। चल गुड बाय एवरीवन, बाय बाय। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है, कसम खाओ तुम सब कमेंट करके जाओगे। अभी जो अभी करंट व्यूअर्स हमको दिख रहे हैं वो 77 दिख रहे हैं, सबके सब अगर कमेंट कर दो तो भाई सब क्या कहने, मजा आ जाएगी। चलो गुड बाय एवरीवन, बाय बाय, शुभरात्रि, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।